हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस के इस चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स की। T20 सीरीज हमारी चल रही है। आई होप सब लोग सारे लेक्चर्स को ध्यान से फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज दीज लेक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में बहुत मदद करने वाले। चलिए आज का मैच शुरू करते हैं, ज्यादा देरी नहीं करेंगे, जल्दी से जल्दी शुरुआत करते हैं। पहला ओवर और उसकी पहली गेंद, थोड़ा पहला ओवर थोड़ा इजी रहेगा, सेकंड ओवर थोड़ा डिफिकल्ट होएगा, ऐसे डिफिकल्टी लेवल और इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चंस बढ़ता जाएगा। तो आज के लेक्चर को पूरा ध्यान से देखिएगा। होपफुली आज क्या है कि पिछली बार जो इशू हो गया था इकोनॉमिक्स के लेक्चर में, आज वो नहीं होने वाला है। हम लोग साथ में रहेंगे थ्रू आउट द सेशन। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के लिए। पहले क्वेश्चन का समय जो है 30 सेकंड का है। आपका समय जो है शुरू होता है अब। नाउ Which among the following is or are quantitative measures? इनमें से कौन से ऐसे measures हैं जो कि quantitative measures of credit control हैं? RBI quantitative measures जो लेता है उनमें से कौन कौन से, इनमें से options में सही answer होना चाहिए। Moral suasion है, bank rate policy है, rationing of credit है या open market operations है, इनमें से कौन सा quantitative measure एक है? RBI की monetary policy की अगर हम बात करें तो उसमें कौन सा एक quantitative measure है? तो चलिए सीधे चलते हैं आंसर की तरफ, रुक करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये हमें समझना होगा कि मॉरल सुएजन जो है वो एक क्वांटिटेटिव मेजर नहीं है, क्वालिटेटिव मेजर है। तो बेसिकली हमने डी ऑप्शन तो रूल आउट कर दिया। उसके बाद हमें देखना है कि वेदर सेकंड, थर्ड और फोर्थ आंसर है नहीं या है। तो इसी तरीके से जैसे मैं आपको बता रहा हूं एलिमिनेशन मेथड से हमने जल्दी से जल्दी आंसर की तरफ पहुंचना होता है। कोशिश ये करनी होती है कि जो पहले हमें पता है कि नहीं ये तो होगा ही नहीं, तो उसे हमने रूल आउट कर दिया। चलिए अब देरी नहीं करेंगे, आंसर देखते हैं और उसको फिर समझ लेते हैं। आंसर मेरे हिसाब से है बी, आंसर इज बी। चलिए देख लेते हैं बी का मतलब। टू एंड फोर, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट नहीं है। कारण क्या है? कारण ये है कि ये लिस्ट आपको यहां पर दी है, बैंक रेट पॉलिसी, ओपन मार्केट ऑपरेशन, वेरिएबल रिजर्व रेशियोज एंड वट एवर इश्यूज। देखिए एक चीज मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं कि जो आज के लेक्चर की पीडीएफ होगी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग आज के जो ये वीडियो लेक्चर है, आज का जो ये लाइव सेशन जो आप देख रहे हैं, इस सेशन के अलावा मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो इस पूरे इशू से रिलेटेड जितने भी हम क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं उसे मैंने पीडीएफ में कवर किया है। तो मेक श्योर आप वो पीडीएफ जरूर देख लें एंड पीडीएफ के साथ ही मेरे इन सारे आंसर्स को, सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखें। तो रैशनिंग ऑफ क्रेडिट जो है वो एक क्वालिटेटिव मेजर है। रैशनिंग ऑफ क्रेडिट इज अ क्वालिटेटिव मेजर, जहां पे क्रेडिट की रैशनिंग होती है, क्रेडिट को राशन के तौर पे किया जाता है, उसको इकट्ठा करने की कोशिश की जाती है। सो ये क्रेडिट रैशनिंग क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए। अगर आपके जवाब सही होंगे तो मैं वहीं पे ही क्लियर बता दूंगा आपको, अगर आपके जवाब गलत होंगे तो वो कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमें। एंड डू लाइक एंड शेयर दिस इनिशिएटिव बाय अभिपीडिया। अभिपीडिया के इस प्लेटफॉर्म को जरूरी है, आप लोग प्लीज अपनी सपोर्ट दिखाइए, शेयर दिस प्लेटफॉर्म एंड इस पूरे हमारे इनिशिएटिव को, T20 के इनिशिएटिव को प्रॉपरली पूरा A to Z फॉलो कीजिए। आपकी CSAT की भी सीरीज चल रही है, आपके हर एक सब्जेक्ट की सीरीज रेगुलरली चल रही है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो भी डाउट्स हैं मैं कमेंट सेक्शन में क्लियर कर रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान से ख्याल रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और रादर द नेक्स्ट बॉल, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत टाइम हो गया कि मैंने यूपीएससी में रीजनल रूरल बैंक्स के ऊपर सवाल नहीं देखा है। सवाल ठीक से पढ़ना है आपने। आपका समय है 45 सेकंड का और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए आपके साथ मैं भी पढ़ रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज और आर करेक्ट, मतलब सही है, करेक्ट पूछ रहे हैं, इनकरेक्ट नहीं पूछ रहे, विद रिगार्ड टू हमारे रीजनल रूरल बैंक्स। पहली चीज ये दे आर रेगुलेटेड बाय नाबार्ड, क्या नाबार्ड उन्हें रेगुलेट करता है। दूसरी चीज ये दे ऑपरेट ओनली इन रूरल एरियाज। तो आपके ऑप्शंस हैं वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नीदर वन नॉट टू। तो ये आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से जल्दी अपने आंसर्स दीजिए एंड देन आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे और साथ के साथ आपको आंसर भी देंगे। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर कमेंट सेक्शन में पिछले लेक्चर में जो हमारा रेगुलेटरी बॉडीज के चैनल पे आया था, तो कुछ लोगों ने ये बोला था कि सर कैसा लेक्चर है कि खुद सर आ रहे हैं, पढ़ के चले जा रहे हैं खुद से ही। तो ऐसा है कि मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, वी आर प्रीमियरिंग दीज वीडियोस
हम इनको प्रीमियर कर रहे हैं यूट्यूब पे। ये फीचर होता है जिसमें जिस व्यक्ति ने वो लेक्चर रिकॉर्ड किया होता है वो लाइव सेशन में आप लोगों के साथ बैठकर लाइव चैट में, चैट बॉक्स में आपके साथ बात कर सकता है। इट इज इजी फॉर हिम टू टॉक विद यू टू सॉल्व योर क्वेरीज। नहीं तो जनरली क्या होता था कि पिछले मेरी जो शुरुआती दौर की वीडियोस हैं उनमें काफी लोगों ने मुझे ये कमेंट्स में बताया कि सर आप बातों पे ध्यान ज्यादा दे रहे हैं, तो हो क्या रहा था कि काफी बच्चे डाउट्स वगैरह पूछ रहे थे या कुछ बात करना चाह रहे थे, बच्चों का भी मन करता है कि टीचर के साथ बात करें, तो मेरी कोशिश थी कि मैं सब लोगों को अकोमोडेट करूं। तो अब ये तरीका हमने ढूंढा है कि जिसमें हम वीडियोस को प्रीमियर करते हैं एंड लाइव चैट में आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं हम जल्दी से जल्दी। आंसर अकॉर्डिंग टू मी इज ए, वन ओनली। सेकंड स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट जो है इट इज रॉन्ग, रीजन बीइंग के आरआरबीज जो है देयर एरिया ऑफ ऑपरेशन मे इंक्लूड अर्बन एरियाज टू, अर्बन एरियाज में भी वो काम कर सकते हैं। दैट मींस सेकंड स्टेटमेंट जिसने कहा था कि सिर्फ रूरल एरियाज में काम कर सकते हैं वो गलत हो जाएगी। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल के लिए आपका समय है 30 सेकंड का। देखिए सब लोग सोच रहे होंगे कि सर टाइम जो है बहुत वेरिएबल दे रहे हैं, मुझे पता है कि ये सवाल जो है ये इजी है, ये सवाल डिफिकल्ट है, तो उसी लेवल ऑफ डिफिकल्टी के हिसाब से मैं आपको वो समय दे रहा हूं। वैसे तो ये सवाल जो है 20 सेकंड का है, बट फिर भी मैं आपको 30 सेकंड का वक्त दे रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि जब आप यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, क्योंकि मैंने अपने समय में दिया, हमने जब क्लियर किए थे अपने एग्जाम, हमने प्रीलिम्स क्वालिफाई जब किए, तो हमें पता है कि तो ये ऐसे सवाल होते हैं ये 10 सेकंड 5 सेकंड ऐसे चुटकी बजा के सॉल्व होने चाहिए। लेकिन वहां पे जब आप एग्जाम के दौर में बैठे होते हैं, उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में बैठे होते हैं, तो वहां पे यहां इस सवाल पे भी टाइम लग जाता है। आप एक एक शब्द ध्यान से पढ़ने की कोशिश करते हैं। सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज रेगुलेट्स बैंकिंग, सॉरी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एनबीएफसीज, ऐसी फाइनेंशियल कंपनीज जो कि नॉन बैंकिंग है, सॉरी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। एनबीएफसीज के बारे में जितनी भी डिटेल है मैंने उस पीडीएफ में डाली हुई है। अगले सेशन से पहले अगर आप चाहेंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं एक वीडियो आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए लगा दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में अपने लिस्ट ऑफ डाउट्स पा देंगे तो मैं उसके रिलेटेड एक वीडियो रिकॉर्ड करके, एक सेशन रिकॉर्ड करके आप लोगों को दे सकता हूं। ठीक है जी, अपार्ट फ्रॉम दैट लेट्स फोकस ऑन दिस क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है आपके सामने, तीसरी बॉल है पहले ओवर की। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज रेगुलेट्स हमारा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। आपके ऑप्शंस हैं स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, सेबी है, आरबीआई है। देखिए मेरे हिसाब से आपको ये पता होगा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं कर सकती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास रेगुलेटरी अथॉरिटीज नहीं है। सिमिलरली एनबीएफसीज नेशनल लेवल पे भी होती है, तो इसका मतलब ये है कि स्टेट गवर्नमेंट्स का तो कंट्रोल होगा नहीं। तो ऑप्शन बचते हैं दो और वो बहुत सॉलिड ऑप्शन है, एक अच्छा सवाल बनता है। कारण ये है कि सेबी का भी कंपनीज के ऊपर कंट्रोल होता है एंड आरबीआई का बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कंट्रोल होता है, तो इसी तरीके से हमने जवाब की तरफ पहुंचना है। एंड हमारी तरफ से, मेरी तरफ से आपको जवाब मैं बता रहा हूं, इट इज आरबीआई ऑप्शन ए। तो ए है आंसर। एनबीएफसी से रिलेटेड ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे दी है इससे थोड़ी ज्यादा पीडीएफ में आपको अवेलेबल हो जाएगी। पीडीएफ एज सून एज हमारा ये लेक्चर हमारी वेबसाइट के ऊपर अपलोड होता है मैं आपको साथ के साथ प्रोवाइड कर रहा हूं। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट डू मेक श्योर कि आप हमारे इस पोर्टल पे रजिस्टर कर देते हैं ताकि आप लोगों को मैसेज मिलते रहें। आप हमारे सारे हमारे इस चैनल को, अभिपीडिया के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा एंड कोशिश कीजिएगा कि वो बेल आइकन को आप जरूर दबा दें। कारण क्या है कि अगर कभी गलती से आपको मैसेज नहीं भी डिलीवर हो पाता तो ये बेल आइकन जब आप दबाएं तो आपको वो घंटी बज जाए, वो नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए NBFC क्या होती है? It is a company which is registered under Companies Act. एक कंपनी है, नाम में ही कंपनी है और रजिस्टर की जाती है उसको Companies Act के तहत रजिस्टर करना पड़ता है सेक्शन 2 के तहत, सेक्शन 2 ऑफ Companies Act 1956। अब रेड सेक्शन 2 ऑफ Companies Act 2013, अब 2013 के हिसाब से। ठीक है जी, engaged in business of loan, एक तो लोन देती है, advances देती है, शेयर्स को एक्वायर करने में काम करती है, स्टॉक बॉन्ड हायर परचेज अग्रीमेंट इस तरीके का काम, इंश्योरेंस के बिजनेस में, चिट के बिजनेस में, फॉर एग्जांपल आप चिट दे देते हैं उसमें पैसा मिल जाता है वगैरह वगैरह, बट डज नॉट इंक्लूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट डज नॉट इंक्लूड एनी इंस्टीट्यूशन हुज प्रिंसिपल बिजनेस इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और द सेल परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ
इनमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपकी कंपनी है, अगर आप इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर आप सेल परचेज का काम कर रहे हैं या कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं किसी भी तरीके की इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो आप एनबीएफसी नहीं कहलाए जा सकते। तो इसी चीज को आपने ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ पार्ट ऑफ एनबीएफसी, तो ऐसे ही ऑप्शन दे देगी यूपीएससी, इसी तरीके से सवाल पूछती है, आपने इस चीज का ख्याल रखना है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आरबीआई अंडर आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 चैप्टर 3B, उसमें ये साफ साफ बोला हुआ है कि एनबीएफसी को रेगुलेट करेगा। तो ये सवाल का जवाब, दिस इज प्लेन एंड सिंपल क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन, इस चौथे सवाल के लिए आपके पास समय है 45 सेकंड का। वो 45 सेकंड का समय शुरू होता है अब। मैं क्वेश्चन अब एक्सप्लेन कर रहा हूं एंड देन वी विल डिस्कस द आंसर। देखिए साथ में कमेंट सेक्शन में मैं आपको आंसर साथ के साथ बता पा रहा हूं, रीजन बीइंग ये वीडियो प्रीमियर हो रही है, ये रिकॉर्ड की है और उसके बाद मैं आपको साथ में चीजें एक्सप्लेन भी कर रहा हूं। कोई भी आपके डाउट्स हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछते रहिए। पिछला सेशन जो है वो थोड़ा अधूरा रह गया था, मैं नहीं चाहता कि ये सेशन अधूरा रहे। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आप सेशन, आपका सेशन थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो इसलिए मेरी पूरी कोशिश है कि समय के अंतराल के अंदर अंदर हम इस पूरे सेशन को कंप्लीट करें। व्हाट हैपेंस व्हेन आरबीआई टाइटन्स द रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, जो रिजर्व रिक्वायरमेंट्स है कैश रिजर्व रेशियो फॉर एग्जाम्पल सीआरआर। देखिए कभी भी अगर रिजर्व जनरल टर्म आ जाए तो आप सिर्फ सीआरआर को अज्यूम करके चल जाएंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो CRR अगर टाइटन किया जाए, मतलब CRR बढ़ाने की कोशिश की जाए, ये कहा जाए कि CRR ये आपका कम है, इसको और ज्यादा रोबस्ट कीजिए। 4% है फिलहाल, तो लेट्स जस्ट से कि 8% करने की बात कर दी। तो बैंक्स आर फोर्स टू कट डाउन लेंडिंग, आपके ऑप्शंस ये सारे हैं, इनमें से आपने सही चूज करना है। मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी श्रिंक्स, मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी राइजेस। अब देखिए सेकेंड और थर्ड ऑप्शन ये एक दूसरे के ऑपोजिट है अगर आप ध्यान से देखें। तो सेकेंड और थर्ड ऑप्शन आप ये भी देखिए कि यूपीएससी ने कितने चालाकी से अपने ऑप्शंस डिजाइन किए, सेकेंड और थर्ड एक साथ कहीं पे भी नहीं आए। तो इसी तरीके से आपने ख्याल रखना है, अगर गलती से आ गए तो आप उनमें से एक ऑप्शन को एलिमिनेट इजीली कर सकते हैं। यू कैन एलिमिनेट दैट ऑप्शन। दिस इज अ वेरी यू नो पेक्यूलियरली और बहुत ही स्मार्टली डिजाइन किया हुआ सवाल है। मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी राइजेस, अगर सीआरआर बढ़ता है तो क्या मनी सप्लाई बढ़ेगी, या रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज, कि इन्फ्लेशन की जो दर है वो डिक्रीज हो जाएगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी, मनी सप्लाई कम होगी, बैंक्स आर फोर्स टू कट डाउन लेंडिंग, लोन कम देंगे। तो ये सारे आपके ऑप्शंस हैं। जल्दी से जल्दी अपने आंसर दीजिए एंड दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये बेसिकली इसके इससे जैसी चीजें हमने अपने पिछले लेक्चर में पिछले मैच के अंदर देखी थी, उस पिछले मैच में हमने काफी चीजें हमने इन्फ्लेशन से रिलेटेड पॉलिसी में मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ी थी समझी थी। तो इस क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत आनी नहीं चाहिए, जो भी दिक्कत आएंगी मैं कमेंट सेक्शन में आपके साथ हूं, उस कमेंट सेक्शन में आप सारे डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब मैं आपको आंसर देता हूं। आंसर अकॉर्डिंग टू मी इज बी, बी इज 1, 2 एंड 4, वेरी प्लेन एंड सिंपल 1, 2 एंड 4। तीसरा ऑप्शन नहीं है जहां पे इकोनॉमी जो है वहां पे मनी सप्लाई बढ़ेगी नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आप पहले 4 रुपए पर 100 रुपए रख रहे थे, अब 8 रुपए आपको रोक के रखने 100 में से। तो पहले आपके पास 96 रुपए हुआ करते थे लोन देने के लिए, अब आपके पास कह लीजिए कि 92 रुपए हैं लोन देने के लिए। तो इस तरीके से आपने ये समझना है, जब ऐसे जनरलाइज करके, जब अजम्पशंस लेके 4% और 100 रुपए के हिसाब से इस तरीके से जब आप चलेंगे तब बहुत इजी हो जाएगी इकोनॉमिक्स का, बैंकिंग और फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड ये पूरा टॉपिक। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द आंसर अकॉर्डिंग टू मी फॉर दिस क्वेश्चन इज बी, जितनों ने 20 जवाब दिया है दैट मीन्स आपने अपनी बैंकिंग के ऊपर जो पकड़ है वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वो बनानी शुरू कर दी है। वेरी गुड, बिल्कुल सही। इस तरीके का कम से कम एक सवाल, मिनिमम एक क्वेश्चन यूपीएससी जरूर पूछती है, डेफिनेटली पूछती है। तो वो एक सवाल और वो 2 नंबर पक्के हो गए हैं आपके। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिफ्थ क्वेश्चन। सवाल थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत सिंपल है, लेकिन मैं समय आपको 45 सेकंड का दे रहा हूं, आपका समय शुरू होता है अब। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्स फिस्कल स्टिमुलस। फिस्कल स्टिमुलस जो है वो किस तरीके से सही तरीके से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है, प्लेन एंड सिंपल क्वेश्चन है, इट इज अ मैसिव इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर सरकार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मैसिव इन्वेस्टमेंट, अब देखिए ये कीवर्ड है, ये मैसिव वर्ड जो है ये कीवर्ड है इस पर्टिकुलर ऑप्शन का,
एक चीज याद रखिएगा, कभी भी यूपीएससी जो है स्वीपिंग स्टेटमेंट दे तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सजग हो जाइएगा। कारण क्या है कि जनरली ये स्वीपिंग स्टेटमेंट जो होती हैं, जनरली नॉट ऑलवेज, जनरली 100 में से 90 टाइम्स, 90% ऑफ द टाइम्स ये होती है इनकरेक्ट। तो स्वीपिंग स्टेटमेंट्स को तो आप ऑब्वियसली रूल आउट कर ही सकते हैं, या फिर इट इज एन इंटेंसिव, उसको पढ़ते ही नहीं। इट इज अ मैसिव इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स टू इंश्योर सप्लाई ऑफ गुड्स टू मीट द डिमांड सर्ज कॉज्ड बाय रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ को तो करने के लिए स्टिमुलस देना है, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो गलत है, ये होगा ही नहीं। ठीक है जी, सेकेंड ऑप्शन क्या कहता है, इट इज एन इंटेंस affirmative action of the government to boost economic activity of the country in the country, या फिर it is government's intensive action on fiscal institutions to ensure disbursement of loans, क्या loans देने के लिए, ये loan जो है और financial institutions जो है, ये इस particular option का keyword। Now, lastly, it is an extreme affirmative action by the government to pursue its policy of financial inclusion. Financial inclusion से related है क्या fiscal stimulus? तो ये सारे ऑप्शंस आपके सामने, चलिए देरी नहीं करेंगे, काफी लोगों के आंसर्स अभी तक आ भी गए हैं, मैं आपको अपना आंसर बताता हूं। अकॉर्डिंग टू मी इट इज अ वेरी प्लेन एंड सिंपल क्वेश्चन, आंसर इज बी, कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए आपको फिस्कल स्टिमुलस जो टर्म है वो यूज की जाती है, कि सरकार अपनी तरफ से एक स्टिमुलस देने की कोशिश कर रही है, उसको छेड़ रही है ताकि इकोनॉमी जो सो रही है उसको जगाया जा सके एंड थोड़ी ग्रोथ लाई जा सके। चलिए, मॉनेटरी स्टिमुलस, फिस्कल स्टिमुलस क्या होता है ये यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। मॉनेटरी स्टिमुलस वो होता है जहां पे, मॉनेटरी स्टिमुलस वो होता है जहां पे आरबीआई का रोल आ जाता है, आरबीआई। फिस्कल स्टिमुलस जनरली गवर्नमेंट की तरफ से आता है, तो इस ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों टर्मिनोलॉजीज में, फिस्कल स्टिमुलस और मॉनेटरी स्टिमुलस के अंदर। ठीक है जी, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट और द लास्ट बॉल ऑफ दिस फर्स्ट ओवर, वेरी इंपॉर्टेंट, डू मेक श्योर आप लाइक करें। अविपीडिया का ये T20 प्लेटफॉर्म बहुत जरूरी है, आप लोगों को बहुत मदद करने वाला है। हम आखिरी दिन तक, 60 दिनों का हमारा ये प्लान है, डेली बेसिस पे हम इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। डू मेक श्योर टू लाइक आर वीडियोज एंड शेयर दिस एंटायर इनिशिएटिव बाय अविपीडिया विच इज पावर्ड बाय अभिमन्यु IAS। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड डू मेक श्योर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे इस वीडियो को, हमारे इस इनिशिएटिव को पहुंचा दीजिए। Which of the following grants, इनमें से कौन सी ऐसी entity है जो direct credit assistance rural households को देती है? क्या वो regional rural banks हैं? क्या वो NABARD है? क्या वो land development banks हैं? ये question बहुत technical है, थोड़ा ध्यान से solve करेंगे। आपके पास 45 second है, मैं सवाल फिर से पढ़ के दे रहा हूँ, आपका समय शुरू होता है अब। Which of the following grants direct credit assistance, सीधे तौर पे credit assistance जो देता है, इनमें से कौन सी ऐसी एंटिटी, ऐसी इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि रूरल हाउसहोल्ड्स को ये काम करता है, क्या देता है, डायरेक्ट क्रेडिट असिस्टेंस। नाउ पहला ऑप्शन है रूरल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, RRBs, दूसरा ऑप्शन है NABARD, तीसरा ऑप्शन है लैंड डेवलपमेंट बैंक LDB। तो इन तीनों में से कौन कौन से हैं जो देते हैं, चलिए देरी नहीं करेंगे, काफी लोगों के आंसर्स अभी तक आ भी चुके हैं एंड जिनके नहीं भी आए हैं तो डू मेक श्योर आप अपनी भी स्पीड बढ़ाएं। चलिए मैं आपको आंसर बताता हूं, मेरी तरफ से जो आंसर है इट इज सी, आंसर इज सी, वन एंड थ्री ओनली। डायरेक्ट क्रेडिट असिस्टेंस NABARD नहीं देता है, NABARD जो है वो डायरेक्ट क्रेडिट असिस्टेंस नहीं देता है, वो इनडायरेक्ट क्रेडिट असिस्टेंस देता है, इस चीज का आपने ख्याल रखना है। चलिए, NABARD doesn't give direct credit assistance, it provides credit via intermediaries such as microfinance companies, cooperative banks, cooperative societies, RRBs even, RRBs में भी जो हमारा NABARD है वो direct credit assistance देके आगे RRBs जो है rural development के लिए, rural households को जो है अपने loan देते। चलिए, moving on to the next over of this match, second over पर हम पहुंच गए हैं और सेकेंड ओवर की पहली बॉल ये रही आपकी स्क्रीन के ऊपर, सबसे पहली बॉल। आपका समय जो है 45 सेकेंड का शुरू हो चुका है अब। मैं क्वेश्चन अब एक्सप्लेन कर रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्वालिटेटिव मेजर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, इनमें से कौन से ऐसे हैं जो कि क्वालिटेटिव मेजर्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के?
तो पहला ऑप्शन तो हमने देख ही लिया था हमारे पिछले ओवर की बॉल में, दिस वन कैन बी कॉल्ड अ स्लोअर वन, एक स्लोअर बॉल कही जा सकती है ये, राशनिंग ऑफ क्रेडिट इज एक्चुअली। तो अब इसका मतलब ये है जहां पे वन ऑप्शन नहीं है उस ऑप्शन को आप रूल आउट कर सकते हैं, तो बी ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा है क्रेडिट की सीलिंग, कि आप भैया इससे ज्यादा क्रेडिट नहीं दे सकते। मान लीजिए 1 लाख रुपए की सीलिंग लगा दी आपके ऊपर, तो 1 लाख रुपए से ज्यादा 1,01,000 आप नहीं दे सकते। कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, जो कंज्यूमर है उसका क्रेडिट रेगुलेशन, चाहे वो सिविल स्कोर के बेसिस पे हो या वो किसी और तरीके से हो, वो कहा जा सके कि भैया आपका जो क्रेडिट स्कोर है उसकी वजह से आपको हम कहते हैं कि आप लोन नहीं ले सकते, आपको हम लोन नहीं दे सकते। तो क्रेडिट रेगुलेशन कैसे होती है, तो ये दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, सिविल स्कोर इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो इस तरीके से जहां मैं हूं वहां बारिश होनी शुरू हो चुकी है, आप लोग अपनी सेहत का ध्यान रखिए, घर पे रहिए, कोरोना वायरस से बच के रहिए, चंडीगढ़ में भी एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया में कानपुर में 2-3 जगहों पे एंड अलग अलग जगहों से मुझे खबरें ऐसी आ रही हैं जहां पे ये पता चल रहा है कि जो आउटब्रेक है वो अभी कंट्रोल में नहीं आया है, लेवल 2 की स्थिति जो है वो कंट्रोल में अभी नहीं आई। तो मेक श्योर आप सरकार की दी गई हिदायतों को साफ तौर पर मान लें, घर पे रहें, शांति से बैठें और पढ़ाई पे ध्यान दें। चलिए, तो बेसिकली अगर हमने साफ तौर पे देख लिया कि वन ऑप्शन होना जरूरी है, तो बचा क्या, सेकंड और थर्ड, क्या सेकंड होगा या नहीं होगा, या अगर सेकंड होगा तो ये ऑप्शन हो सकता है या ये हो सकता है, अगर थर्ड होगा सेकंड नहीं होगा तो ये ऑप्शन हो सकता है। तो इसी तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए, मेरे हिसाब से जो आंसर है वो मैं आपको बताता हूं, द आंसर अकॉर्डिंग टू मी इज 1 and 3, सेकंड जो है वो ऑप्शन नहीं है। सेकंड क्या है, क्रेडिट सीलिंग, जहां पे आप मॉनेटरी पॉलिसी के तहत आप सीलिंग लगा दें कि भैया इससे ज्यादा आप क्रेडिट नहीं दोगे। ये सीलिंग जो है बेसिकली, अब आपको ऐसे समझना है, ये एक मैंडेटरी प्रोविजन हो जाती है, ये एक मैंडेटरी प्रोविजन हो जाती है, ये साफ तौर पे आरबीआई अगर ऐसे बोल दे कि भैया इससे ज्यादा नहीं, तो ये है क्रेडिट सीलिंग। और ये सीधे तौर पे क्वांटिटेटिव टूल हो जाता है, क्वांटिटेटिव टूल हो जाता है, ना कि क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव की बजाय क्वांटिटेटिव हो जाता है। तो इस तरीके से आपने समझना है, क्योंकि बाकी जगहों पे सलाह दी जा रही है, बाकी जगहों पे मेजर्स क्रिएट किए जा रहे हैं, एनेबल किया जा रहा है, लेकिन क्रेडिट सीलिंग में आपने सीधे तौर पे एक्शन लिया और रोकथाम कर दी, ये है एक क्वांटिटेटिव मेजर। तो आंसर अकॉर्डिंग टू मी इज सी, जितनों ने सी आंसर दिया है दैट मींस आपने इस कॉन्सेप्ट को धर पकड़ लिया है, आपने समझ लिया है। चलिए, देरी नहीं करेंगे, अगली बॉल की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट बॉल, द सेकंड बॉल ऑफ सेकंड ओवर, शुरुआत करते हैं। आपका समय जो है 45 सेकंड का शुरू होता है अब। विद रेफरेंस टू इकोनॉमी, इकोनॉमी की रेफरेंस अगर ली जाए तो स्टैगफ्लेशन अकर्स व्हेन देयर इज, स्टैगफ्लेशन कब होती है, जब इकोनॉमिक ग्रोथ में डिक्लाइन आता है, जब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है, जब इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा होती है। तो दीज आर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि स्टैगफ्लेशन का हिस्सा है। अब आपने बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, क्या 1 and 2 है, या 1 and 3 है, या 2 and 3 है, या फिर सारे के सारे। चलिए, 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3 and 1, 2 and 3, जल्दी से जल्दी फटाफट से कमेंट सेक्शन में अपने आंसर कीजिए। देखिए, सब लोग पार्टिसिपेट कीजिए, एवरीबडी शुड पार्टिसिपेट, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको ये पता चलेगा। हाँ, एक चीज और मैं अभी बता रहा हूं, मुझे पहले बता देना चाहिए था, आप सब लोग अपना स्कोर कैलकुलेट करते हुए चलिएगा, आपका स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप जब अपना स्कोर हमें बताएंगे तो हम डेली बेसिस पे बिफोर द नेक्स्ट वीडियो आपको पिछले दिन की कट ऑफ भी डिक्लेयर करके देंगे। तो आपको पता चलेगा कि आपकी स्टैंडिंग क्या रही है, कि आपको किस एरिया में इंप्रूवमेंट करनी है, वो बहुत ही सिंपल तरीका होता है, आपको ये पता चल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ओवर वाइज देखा, तो आप हर एक ओवर में भी अपना स्कोर कैलकुलेट कीजिए, देखिए कि आपके कितने मार्क्स आए, एंड उसी से आपको ये पता चलेगा कि भैया मुझे किस पोर्शन और किस टॉपिक के ऊपर काम करना चाहिए। तो दैट इज वाई अभिपीडिया ने T20 का प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए जो इनिशिएटिव अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस हम जो लेके आए हैं, दिस इज बेसिकली फॉर दिस पर्पस ओनली। चलिए, देरी नहीं करेंगे, आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर अकॉर्डिंग टू मी इज डी 1, 2 and 3। स्टैगफ्लेशन का सीधे तौर पे क्या मतलब है, पहली चीज तो ये कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाती है, फिर अनएम्प्लॉयमेंट दर जो है वो बढ़ जाती है, फिर इसी एक टर्म को कहा जाता है इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो रही है, लेकिन इसी के चलते अगर इन्फ्लेशन भी बढ़ जाए और
इसी के साथ साथ इन्फ्लेशन तो बढ़ रही है, लेकिन एक पेक्यूलियर सी चीज होती है कि डिक्लाइन इन जीडीपी होना शुरू हो जाता है। तो जीडीपी डिक्लाइन यहां दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं यहां लिखता हूं, जीडीपी जो है वो डिक्लाइन कर रही है। दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बढ़ रहा है। तीसरा, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हो रही है। तो ये सारी की सारी चीज, हाँ एक और चीज, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है। तो ये चारों की चारों चीजें जब होती हैं, दिस इज अ वेरी डाइसी सिचुएशन फॉर द इकोनॉमी, बहुत खतरनाक सिचुएशन है। इनफैक्ट ऐसा बोला जा रहा था कि जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत की इकोनॉमी है, वो इसी स्टैगफ्लेशन के दौर से गुजर रही थी पिछले एक डेढ़ साल से, एंड उसी के लिए गवर्नमेंट ने कुछ इम्पीटस करना शुरू किया था, कॉर्पोरेट टैक्स रिफॉर्म्स किए वगैरह वगैरह। तो दिस इज स्टैगफ्लेशन, इस चीज को आपने ध्यान से इसको समझ लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपके कमेंट्स को पढ़ के वही डाउट्स को क्लेरिफाई कर दूंगा। इन्फ्लेशन का दर बढ़ेगा, जीडीपी ग्रोथ कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम होगी। ठीक है जी, ये सारी चीजें आपने एक साथ देखनी है, दिस इज स्टैगफ्लेशन फॉर यू गाइस। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बॉल ऑफ दिस ओवर, नाइन्थ बॉल, लिक्विडिटी ट्रैप के ऊपर सवाल पूछा गया। यू हैव 45 सेकंड्स, थोड़ा सा वर्ड्स ज्यादा है इसलिए 45 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है, आपका 45 सेकंड का समय शुरू होता है अब। लिक्विडिटी ट्रैप क्या है? इट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर, पहला ऑप्शन, पीपल वॉन्ट टू होल्ड ओनली कैश बिटवीन बिकॉज देर इज टू मच ऑफ लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, कि बहुत ज्यादा लिक्विडिटी हो गई है तो लोग सिर्फ और सिर्फ कैश ही होल्ड करना चाहते हैं। या दूसरा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सो लो दैट नो वन वॉन्ट्स टू होल्ड इंटरेस्ट बियरिंग एसेट्स एंड पीपल वॉन्ट टू होल्ड कैश, ये क्या, ये लिक्विडिटी ट्रैप है। या फिर डिमांड फॉर बॉन्ड्स इंक्रीजेस एज इंटरेस्ट रेट इज वेरी हाई विच डिक्रीजेस द लिक्विडिटी इन द मार्केट। या फिर देर इज एन एक्सेस ऑफ फॉरन एक्सचेंज रिजर्व्स इन द इकोनॉमी लीडिंग टू एक्सेस ऑफ मनी सप्लाई, इनमें से क्या चीज है जो कि लिक्विडिटी ट्रैप है? जल्दी से जल्दी आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में, एंड टेंशन मत लीजिए, मैं यहां पे आप लोगों का नाम नहीं ले रहा हूं लेकिन कमेंट सेक्शन में आपके नाम ले रहा हूं। रीजन बीइंग, दिस इज अ प्रीमियरिंग सेशन, हमारा सेशन प्रीमियर हो रहा है, मैंने ये वीडियो रिकॉर्डिंग अभी थोड़ी देर पहले की है ताकि मैं आप लोगों के साथ बैठकर आपके एक एक डाउट को क्लैरिफाई कर सकूं, लेकिन ताकि साथ में किसी को ये ना लगे कि सर टाइम ज्यादा वेस्ट करते हैं बातचीत में, तो मेरी ये पूरी कोशिश है कि आप लोगों का समय जो है व्यर्थ ही नष्ट ना हो। चलिए देरी नहीं करेंगे, इस सवाल का जवाब भी जल्दी से जल्दी देंगे। The answer according to me is B. Answer is B. जहां पे rate of interest इतने कम हो जाए, is so low कि no one wants, कोई भी ये नहीं चाहता कि वो इंटरेस्ट बेयरिंग एसेट्स को होल्ड करें, सबके सब क्या चाहते हैं कि वो कैश होल्ड करें, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल अगर बात करें तो अगर बैंक्स की रेट ऑफ इंटरेस्ट लेट्स जस्ट से कि 5% है, तो कल को अगर 1% हो जाए बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कौन चाहेगा कि बैंक में पैसा रखे? तो ये लिक्विडिटी ट्रैप हो जाता है जहां पे लोग क्या चाहते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इतने कम हो गए हैं कि पीपल वॉन्ट ये एसएमएस की भाषा मैंने यहां लिख दी, पीपल वॉन्ट टू होल्ड कैश इन देयर हैंड्स, कैश इन हैंड को ज्यादा पावर समझे, परचेजिंग पावर पैरिटी को कैश इन हैंड के थ्रू अगर लोग सोचें कि हम हाँ बेहतरीन स्थिति में हो सकते हैं, वो एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन हो सकती है, बैंक रन की सिचुएशन आ सकती है वगैरह वगैरह, बैंक्स और फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल मार्केट्स कोलैप्स हो सकते हैं अगर सिर्फ लोगों ने इतना सोच लिया कि हाँ जो हमारे हाथ में पैसा है वो ही सही, तो सब लोग बैंक्स में से पैसा निकाले। अब लोगों को बैंक्स में पैसा रखने पे मजबूर कैसे किया जाता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा के। तो इसी तरीके से आपने समझना है, इकोनॉमी जो है इसी तरीके से चलती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को जब बढ़ाया जाता है तो लोग चाहते हैं कि आप जो है पैसा बैंक में पार्क कर दें, तो वो लिक्विडिटी ट्रैप को आप उससे छूट के बच के निकल सकते हैं। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बॉल ऑफ दिस ओवर, द फोर्थ बॉल ऑफ दिस ओवर विच इज दिस, ध्यान से पढ़िएगा इस सवाल को, इस सवाल के लिए आपके पास है 45 सेकंड, आपका समय शुरू होता है अब। कमेंट सेक्शन में अपने आंसर लिखते रहिए। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन ब्रॉड मनी और नैरो मनी, ब्रॉड मनी और नैरो मनी के बीच में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, ये आपने बताना है। ब्रॉड मनी आपके ऑप्शंस हैं, ब्रॉड मनी इज जनरली यूज्ड बाय आरबीआई टू लेंड मनी टू द जनरल पब्लिक, वेयर एज नैरो मनी जो है वो यूनियन गवर्नमेंट यूज करती है फॉर इट्स डेफिसिट फाइनेंसिंग।
ये ब्रॉड मनी जो है आरबीआई यूज करता है, नैरो मनी जो है यूनियन गवर्नमेंट यूज करती है। दूसरा ऑप्शन कहता है इट इज यूज्ड बाय आरबीआई टू लेंड मनी टू यूनियन गवर्नमेंट, नैरो मनी जो है वो यूनियन गवर्नमेंट यूज करती है टू लेंड मनी टू द जनरल पब्लिक। अब देखिए ये बहुत ही ध्यान से देखिएगा, यूनियन गवर्नमेंट इज यूजिंग दिस मनी टू लेंड टू जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक को क्या यूनियन गवर्नमेंट पैसा देती है, ये सोचने वाली बात है। द मेन डिफरेंस इज बिटवीन देयर लिक्विडिटी और देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम एज बोथ आर वन एंड द सेम। देखिए डिफरेंस तो होगा क्योंकि नाम अलग है, अगर नाम अलग ना होता तो फिर डिफरेंस ना होता। तो बेसिकली आप इस ऑप्शन को रूल आउट कर सकते हैं। एंड दूसरा आपको इस पे डाउट हो सकता है, दिस इज ऑल्सो अगर आप प्रायोरिटी सेट करें तो आप थर्ड प्रायोरिटी पे इस पे इसको रखेंगे, पहली प्रायोरिटी इसको और सेकंड प्रायोरिटी इसको। चलिए देरी नहीं करेंगे, काफी लोगों के आंसर्स आ भी गए हैं एंड मैं भी अपना आंसर अब देता हूं, साथ के साथ मैं कमेंट सेक्शन में भी लिख रहा हूं द आंसर अकॉर्डिंग टू मी इज सी, दैट ये क्या है, द मेन डिफरेंस इज बिटवीन देयर लिक्विडिटी। पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, आखिरी तो गलत था है। ठीक है जी, द मेन डिफरेंस बिटवीन देयर लिक्विडिटी। अब समझ लेते हैं नैरो मनी क्या है, ब्रॉड मनी क्या है। इकोनॉमी के अंदर M1 और M2 मिलके बनाते हैं, दे आर नोन एज नैरो मनी, एंड M3 एंड M4 आर नोन एज ब्रॉड मनी। तो नैरो मनी है M1 प्लस M2, और नैरो ब्रॉड मनी है M3 प्लस M4। शायद मैंने गलत बोल दिया, नैरो मनी है M1 M2, ब्रॉड मनी है M3 M4। ठीक है जी, M1 क्या है, M1 होता है वो करेंसी के नोट्स जो जनता के हाथ में होते हैं, जो आपकी जेब में जितना घर में पैसा है कैश है। उसके बाद नेट डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स के पास डिमांड डिपॉजिट्स मतलब कासा, कासा और एटसेट्रा, कासा एटसेट्रा जितने भी डिमांड डिपॉजिट्स हैं वो सारे के सारे नेट डिमांड डिपॉजिट्स प्लस करेंसी नोट्स। M2 क्या होता है, M2 इज M1 प्लस सेविंग्स डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस का पैसा भी जब इसमें ऐड हो जाता है तो ये हो जाता है आपका नैरो मनी, ये होता है नैरो मनी। ठीक है जी, उसके बाद M3 और M4 क्या है, M1 में इसी में अगर आप कासा और करेंसी नोट्स जो आपके जितना भी जनता के पास पैसा है वो बेसिकली M1 है। आप ध्यान से देखिए, एक तो हाथ वाला पैसा और दूसरा जो बैंकों में रखा गया डिमांड डिपॉजिट वाला पैसा है वो, तो वो M1 है। तो M1 में ही अगर आप नेट टाइम डिपॉजिट्स ऐड कर दें तो वो M3 हो जाता है, M1 में अगर आप सेविंग डिपॉजिट ऐड करें तो वो M2 हो जाता है, M1 में ही अगर आप नेट टाइम डिपॉजिट्स ऐड कर दें तो वो M3 हो जाता है। M4 क्या है, इसी M3 के अंदर अगर आप टोटल डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन एक्सक्लूडिंग NSCs नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, तो ये चीज जो है इसको एक्सक्लूड करके बाकी सारी चीजें जब आप इंक्लूड कर देते हैं, M4 इज बेसिकली ऑल इंक्लूसिव। तो इस तरीके से आपको समझना हो, दिस इज हमारा क्या कहते हैं, सॉरी दिस इज हमारा M4, हमारा M4 जो है ये है M3 प्लस पोस्ट ऑफिस के पास जो भी टोटल डिपॉजिट्स हैं। तो अब इसमें अगर लिक्विडिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा लिक्विडिटी, सबसे ज्यादा कैश कहां पे है, M1 के अंदर है। इसमें साइज, इसमें पैसा या इसमें क्वांटिटी मत देखिए, इसमें ये देखिए कि खुला पैसा, हाथ में पैसा कितना ज्यादा किस में है। तो सबसे ज्यादा होता है M1 के अंदर, फिर M2, फिर M3, फिर M4। तो लिक्विडिटी का ही डिफरेंस है बेसिकली नैरो मनी और ब्रॉड मनी के अंदर। ठीक है जी, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बॉल, द सेकेंड लॉस्ट बॉल ऑफ दिस ओवर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगेन आपका समय जो है 45 सेकेंड का शुरू होता है अब। You can solve this question now. I am going to explain this question. Which among the following, which of the below statements best describes Goldilocks economy? Goldilocks economy का क्या तात्पर्य है? ये term कहाँ से उठाई गई है? इस term का meaning क्या है? A very important question. UPSC इस तरीके के सवाल बहुत पूछती है। पिछले कुछ समय से UPSC ऐसे सवाल बहुत पूछ रही है। आपने पूरा ख्याल रखना है कि हम इस तरीके के सवालों को cover करके चलें। An economy that is not so hot that it causes inflation, मतलब इतनी गर्म नहीं है, इतनी ज़्यादा expansion नहीं हो रही है कि उसमें inflation हो जाए, and not so cold that it causes recession, कि इतनी ठंडी भी नहीं पड़ गई है कि उसमें recession ही आ जाए, which allows a market friendly monetary policy, जिसमें आप market के हिसाब से monetary policy framework को design कर सकें, decide कर सकें, ये क्या ये होती है?
सुनने में ठीक लग रहा है, अगर ऑप्शन को देखें तो थोड़ा सा सूट कर रहा है, तो इसको थोड़ा टिक, हल्का सा टिक लगा लेंगे अपने ऑप्शंस में, अपनी चॉइस में इसको रखेंगे। या फिर एन इकोनॉमी दैट इज टू हॉट विद इन्फ्लेशन एंड ड्रिवन बाय मार्केट फ्रेंडली मॉनेटरी पॉलिसी, थोड़ा सा अधूरा लग रहा है, थोड़ा सा अधूरा लग रहा है, लेकिन लग सही रहा है, कुछ हद तक सही रहा है, तो इसको हम सेकेंड चॉइस रख लेंगे। एन इकोनॉमी दैट इज स्ट्रक बिटवीन हॉट एंड कोल्ड, इन अदर वर्ड्स डजंट सस्टेन मॉडरेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड दैट हैज हाई इन्फ्लेशन। अब ये नॉन कंड्यूसिव इकोनॉमिक इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं, लेकिन आपको अगर पता हो कि गोल्डीलॉक्स जोन, ये गोल्डीलॉक्स ये जो टर्म है ये कहां से उठाई गई है, ये टर्म उठाई गई है, जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, ये टर्म उठाई गई है ज्योग्राफी में से। ये गोल्डीलॉक्स वो जोन, वो एरिया है यूनिवर्स के अंदर जहां पे कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर है। कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर मतलब कंड्यूसिव एरिया, एक स्टार के पास का कंड्यूसिव एरिया जहां पे लाइफ जो है एग्जिस्ट कर सकती है। सो ये वो एरिया है अर्थ जो है गोल्डीलॉक्स जोन में पाई जाती, तो इस वजह से That means, इतना ना ज्यादा पास है सन के, ना ज्यादा दूर है, ना ज्यादा गर्म है, ना ज्यादा ठंडा है। इसी तरीके से आपने इस सवाल का जवाब ढूंढना है। The answer according to me is A, an economy जहां पे इतनी ज्यादा गर्मी भी नहीं है कि इन्फ्लेशन हो जाए, इतनी ज्यादा ठंडी भी नहीं है कि रिसेशन आ जाए, और ऐसा एक जोन है जहां पे जिंदगी बशर हो सके, ऐसा एक जोन है, ऐसा एक एरिया है जहां पे आप मार्केट फ्रेंडली मॉनिटरी पॉलिसीज फ्रेमवर्क उसका डिजाइन कर सकते हैं। देखिए लास्ट ऑप्शन पढ़ा भी नहीं मैंने, लास्ट ऑप्शन मैंने पढ़ा भी नहीं, आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर ए, ठीक है जी। तो लास्ट ऑप्शन पढ़ा भी नहीं मैंने, यूपीएससी इसी तरीके से आपकी स्पीड भी चेक करती है। आपने कोशिश करनी है कि आप एक्यूरेसी के ऊपर और आप स्पीड के ऊपर, एजिलिटी के ऊपर और अपनी एफिशिएंसी के ऊपर काम करें, तो इसी तरीके से आपने एफिशिएंट होना है, जबरदस्ती नहीं है। आप क्वेश्चन के सारे ऑप्शन पढ़ने की ऐसे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, अनलेस एंड अंटिल आपको जवाब ना पाता हो। तो विद प्रैक्टिस मैंने ये देखा है कि ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि सवाल पढ़ते ही जवाब एकदम से नजर में आ जाता है। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अगर आप ऐसी रखते हैं तो यूपीएससी में आप कभी भी मात नहीं खाएंगे। यूपीएससी ऑलवेज डिमांड्स कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर, हमारी दूसरे ओवर की आखिरी बॉल की तरफ, दैट इज ये। अब ये प्लेन एंड सिंपल मैच द फॉलोइंग का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका समय जो है 45 सेकंड का है, वो समय शुरू होता है अब। एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, ये कितने सारे जो ये बैंक्स दिए गए हैं इनको मैच द फॉलोइंग में आपने बताना है कि कौन किन का जो हेडक्वार्टर्स है कहां पे है। एडीबी का बोला गया है मांडलोयोंग में, या फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो बेजिंग में बोला है, एआईआईबी का शंघाई में बोला है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक का फ्रैंकफर्ट में बोला है। जल्दी से जल्दी आंसर कीजिए, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इतना मुश्किल नहीं है। कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी आपके आंसर्स आ जाएं, काफी लोग जल्दी आंसर कर भी रहे हैं। कॉमेंट सेक्शन में मैं आप लोगों को जितने भी डाउट्स हैं वो डाउट क्लियर वहां पे कर रहा हूं। कुछ लोग सवाल पूछ रहे थे मेरी पिछली वीडियो में कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि आप यहाँ भी हैं, आप वहां भी हैं। ओमनी प्रेजेंट नहीं हूँ, बेसिकली ये वीडियो एक रिकॉर्डेड प्रीमियर सेशन हो रहा है, वीडियो इज रनिंग एज अ लाइव सेशन। ये टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट है कि मैं आप लोगों के साथ वहां पे लाइव चैट बॉक्स में बात भी कर पा रहा हूँ। चलिए जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए, मैं विद इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड जवाब अपना देने वाला हूँ। जितनों ने जवाब नहीं दिया, एक चीज का खास ख्याल रखिए, बी ऑनेस्ट। जितना ऑनेस्ट रहेंगे उतना ज्यादा अपनी गलतियों को सुधार कर पाएंगे। कारण क्या है कि हम कट ऑफ बताने वाले, आप जब अपने मार्क्स शेयर करेंगे तो अगले सेशन से पहले वी विल बी शेयरिंग दिस कट ऑफ विद यू। उस कट ऑफ से आपको पता चलेगा कि आपकी स्टैंडिंग क्या है। जितने भी लोग ये सेशन देखेंगे उसमें से आपकी स्टैंडिंग कहां पे जाके रहती है। सो डू मेक श्योर कि आप ऑनेस्ट रहें। मैं आपको आंसर बता रहा हूं, एक्चुअल क्या है कि ये दोनों ऑप्शन जो है इंटरचेंज करके दिए गए हैं। आंसर इज एक्चुअली 1 and 4, आंसर इज डी। ये वाले जो दो ऑप्शन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक शंघाई में है और एआईआईबी बीजिंग में है। चलिए देरी नहीं करेंगे, इसका आंसर समझ लेते हैं। इसका बहुत सिंपल आंसर है, आंसर इज डी, 1 and 4 ओनली। चलिए मूविंग ऑन टू द थर्ड ओवर, अ वेरी इंपॉर्टेंट ओवर ऑफ दिस मैच, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओवर्स। देखिए जब भी हमारा कोई भी सेशन होता है जो तीसरा थर्ड ओवर है,
वो बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ओवर रहेगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ओवर रहेगा ना। चलिए देरी नहीं करेंगे, इस ओवर की शुरुआत करते हैं। कोई कमर्शियल नहीं आना है, कोई एड नहीं आने वाली है, जल्दी से जल्दी इस ओवर की शुरुआत करते हैं। पहली बॉल ऑफ दिस ओवर, अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉल, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा कह लीजिए कि ये लाइन और लेंथ इसकी बहुत ही सटीक है। कारण क्या है कि ये हमारे इरफान पठान साहब की बॉल है, उस तरीके से ये चल के आ रही है, स्विंग का बादशाह जिन्हें कहा जाता है। नाउ नाउ दिस क्वेश्चन स्टार्ट, इसका समय जो है शुरू होता है अब। आपके पास 45 सेकेंड है। 13वां सवाल है, ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग से रिलेटेड है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स हैव बीन कॉन्फर्ड विद द स्टेटस ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर इन ऑर्डर टू इंश्योर एडिक्वेट इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। देखिए आगे पीछे की कहानी जो है वो सब कह लीजिए कि फॉर्डर है, लेकिन हमारा जो पर्पज है, हमारा कीवर्ड है कि प्रायोरिटी सेक्टर से रिलेटेड कौन कौन से सेक्टर्स को वो स्टेटस दिया गया है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग से रिलेटेड ये स्टेटस ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर किस किस को दिया है, रिन्यूएबल एनर्जी को दिया है या नहीं दिया है, एक्सपोर्ट क्रेडिट को दिया है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एमएसएमई को, क्या इनमें से किस किस को ये स्टेटस दिया है। जल्दी से जल्दी आंसर देंगे, रिन्यूएबल एनर्जी है, एक्सपोर्ट क्रेडिट है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, एमएसएमई है। तो मैं आपको एक चीज तो क्लियर कर देता हूं कि जब रघुराम राजन जी हमारे आरबीआई के गवर्नर हुए थे तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्टिकुलरली सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को हमारे यहाँ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत ये प्रायोरिटी सेक्टर का दर्जा दिलवा दिया था। सो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ पार्ट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर, ये मैं आपको साफ की देता हूँ। तो अगर मैंने ये ऑप्शन आपको बता दिया, दैट मीन्स पहला आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इसमें थ्री नहीं है, तीसरा भी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि इसमें थ्री नहीं है, तो बचते कौन से हैं, वन टू एंड थ्री, वन टू एंड फोर। तो आपको अगर पता चल, वन टू थ्री एंड फोर, तो आपको अगर पता चल जाए कि आपको अगर पता हो कि एमएसएमई चौथा ऑप्शन जो है वो हमारा प्रायोरिटी सेक्टर है या नहीं है, तो आप इस ऑप्शन को या तो कर सिलेक्ट कर लेंगे, इस ऑप्शन को रिजेक्ट करके इस ऑप्शन की तरफ चले जाएंगे। सो दिस इज एज सिंपल एज दैट। चार ऑप्शन दिए यूपीएससी ने, लेकिन फिर भी अगर आपको दो के बारे में भी पता है तो आप आंसर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपने तैयारी की है तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। चलिए देरी नहीं करेंगे, आंसर मैं आपको साथ की साथ बता रहा हूं, कमेंट सेक्शन में भी बता रहा हूं और वैसे भी बता रहा हूं। ये आंसर इज वन टू थ्री एंड फोर, ये सारे के सारे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के तहत प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं। चलिए लेट्स सी दी एक्सप्लेनेशन, इनमें से कौन कौन से प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, वो सारे सेक्टर्स की लिस्ट मैंने यहां पर दी है। डू मेक श्योर जो मैं पीडीएफ दे रहा हूं उस पीडीएफ को आप ध्यान से देखें, बिकॉज पीडीएफ में मैंने इससे ज्यादा डिटेल लिखी है। ये उन लोगों के लिए खासतौर पे जो लोग रजिस्टर करते हैं, रजिस्ट्रेशन देखिए फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग वो पेन लेते हैं, आप मुझे पता है कि थोड़ा सा दिक्कत होती है कि वेबसाइट खोल के लिंक पे क्लिक करके रजिस्टर करना, तो इसलिए मेरी कोशिश ये है कि जो लोग रजिस्टर करेंगे उनको थोड़ा सा पॉजिटिव कुछ बेनिफिट भी मिले, ताकि आप लोगों को भी फायदा हो, आपको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलनी चाहिए। एक चीज का खास ख्याल रखिएगा, जितना मर्जी कोरोना वायरस हो जाए, जितने मर्जी एग्जाम डिले हो जाए, कैंसल नहीं होने वाला है, और आपकी जिंदगी में आपका ये हार्ड वर्क जो आज किया हुआ है वो बहुत मदद करने वाला है। रजिस्टर योरसेल्फ ऑन अभिपीडियाज वेबसाइट, अभिपीडिया का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जरूर क्लिक कीजिएगा, वहां पे आप रजिस्टर कीजिएगा। डू लाइक आवर वीडियो, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, हमारे इस T20 इनिशिएटिव को पहुंचाइएगा, कोशिश कीजिएगा आप लोग भी हमें सपोर्ट और वो प्यार दें, हम भी आपके इसी सपोर्ट और प्यार की वजह से मोटिवेट रहते हैं कि हम बेहतरीन क्वालिटी का कॉन्टेंट आप लोगों तक पहुंचा सके। चलिए एग्रीकल्चर इज अ प्रायोरिटी सेक्टर, एमएसएमई, देखिए मैंने कहा था कि अगर पता चल जाए तो बहुत ईजी हो जाएगा, एमएसएमई एक प्रायोरिटी सेक्टर है, एक्सपोर्ट क्रेडिट प्रायोरिटी सेक्टर है, इसका हमें नहीं पता हो सकता, देयर आर चांसेस कि इसके बारे में हमें जानकारी ना हो। उसके बाद एजुकेशन, इसको आदमी सोच सकता है लेकिन यूपीएससी इस तरीके का सवाल पूछेगी नहीं, जो बहुत ही प्लेन एंड सिंपल नेकेड आई से विजिबल हो, जो इजिली समझ आ जाए, वो यूपीएससी सवाल नहीं पूछेगी, थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछेगी थोड़ा सा। तो एजुकेशन इज अ प्रायोरिटी सेक्टर, हाउसिंग सेक्टर ऑब्वियसली एक प्रायोरिटी सेक्टर है, इनफैक्ट अभी तो प्रधानमंत्री आवास योजना भी चल रही है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इज इनफैक्ट अ प्रायोरिटी सेक्टर, मैंने आपको पहले ही बताया। रिन्यूएबल एनर्जी का भी पता चल जाता है कि हाँ वो प्रायोरिटी सेक्टर है, और कुछ अदर्स के अंदर आते हैं, ये अदर्स के अंदर क्या आता है ये आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मुझसे पूछिए, मैंने पीडीएफ में इसकी सारी की सारी डिटेल्स आपको दी है।
टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ भी फ्रीली अवेलेबल है, रजिस्टर करना भी फ्री है, सब कुछ फ्री है यहाँ पे T20 के इस प्लेटफॉर्म को। जरूर है, प्लीज अपना सपोर्ट दिखाइए, शेयर दिस प्लेटफॉर्म, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए हमारे इस इनिशिएटिव को, और प्लीज लाइक जरूर कीजिए। एक हम्बल अपील आप सब लोगों से। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बॉल, द 14th बॉल ऑफ दिस मैच और द सेकेंड बॉल ऑफ द थर्ड ओवर इन विच ऑफ द फॉलोइंग। उससे पहले आपको समय रेखा बता देता हूं, समय सीमा है 45 सेकंड की, 45 सेकंड का समय शुरू होता है अब। इन विच अमंग द फॉलोइंग सेक्टर्स इज एफडीआई प्रोहिबिटेड इन इंडिया। भारत में एफडीआई प्रोहिबिट कहां हुआ है? यूपीएससी ये सवाल नहीं पूछेगी कि 74% एफडीआई कहां पे है, 100% कहां पे है, ये सब सवाल नहीं पूछती है यूपीएससी। यूपीएससी को ये पता है कि आपको पता है, आपने रट्टा लगा लिया है, न्यूज़पेपर में बहुत बार आ लिया, लेकिन उनको ये जानना है कि क्या आपको पता है कि कौन कौन से सेक्टर्स में एफडीआई प्रोहिबिटेड है। तो एटॉमिक एनर्जी है, बैंकिंग है, गैम्बलिंग एंड बेटिंग है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टोबैको है। तो वन ओनली आपका ऑप्शन है क्या? सिर्फ एटॉमिक एनर्जी है। दूसरा ऑप्शन है बैंकिंग का। तीसरा ऑप्शन है गैम्बलिंग का, जुआ का, मैं हिंदी में इंग्लिश में लिख रहा हूं, जुआ, बेटिंग और गैम्बलिंग का, सॉरी, 1, 3 एंड 4, जुए का, एटॉमिक एनर्जी का और मैन्युफैक्चरिंग का, टोबैको का, तंबाकू का, एंड लास्टली 1 एंड 4, एटॉमिक एनर्जी और तंबाकू। तो ये इस तरीके से भी अगर जैसे मैं लिख रहा हूं तो ऐसे ही, अगर आपके पास समय है, आपकी स्पीड है, एजिलिटी है, तो अपने ऑप्शंस इसी तरीके से लिख लीजिए। कभी भी ऐसे सिली मिस्टेक नहीं होगी कि आप चूज कोई ऑप्शन करना चाहते थे, हो कोई और, तो इस तरीके से भी आप चल सकते हैं। चलिए देरी नहीं करेंगे, इस सवाल का जवाब जल्दी से जल्दी देखेंगे। द आंसर अकॉर्डिंग टू मी इज सी, और वो सी के साथ साथ मैं आपको बता रहा हूं 1, 3 एंड 4 जो ऑप्शन है, सॉरी, वो ऑप्शन जो है बेसिकली एटॉमिक एनर्जी है, उसके बाद गैम्बलिंग एंड बेटिंग है। देखिए बैंकिंग में डाउट हो सकता है कि बैंकिंग में होना चाहिए एफडीआई या नहीं होना चाहिए, फिर उसके बाद आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टोबैको है, तंबाकू, गैम्बलिंग, बेटिंग, एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी तो क्लियर हो ही गया था, तो साफ तौर पर पता चल गया था कि बी तो ऑप्शन नहीं, क्योंकि वहां पे 1 नहीं था, 3 नहीं था, 4 नहीं था, ठीक है जी। या फिर आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ 2 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो प्रोहिबिटेड सेक्टर्स कौन कौन से हैं, इसकी एक लिस्ट आपको दे रहा हूं यहाँ पे। सबसे पहले गैम्बलिंग एंड बेटिंग, फिर उसके बाद लॉटरी का बिजनेस, जिसमें सरकारी लॉटरी हो, प्राइवेट लॉटरी हो, ऑनलाइन सिस्टम भी, ये सारे के सारे इंक्लूडेड है, किसी में भी एफडीआई अलाउड नहीं है। फिर उसके बाद एक्टिविटीज या सेक्टर्स नॉट ओपन टू प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स जहां पे नहीं हो सकती, रेलवेज में नहीं हो सकती, एटॉमिक एनर्जी में नहीं हो सकती, यहां पे प्राइवेट सेक्टर इनडायरेक्टली यूज जरूर होता है, लेकिन ओनरशिप किसके पास रहती है ये डिपेंड करता है, ओनरशिप। तो प्राइवेट सेक्टर को जो ओपन नहीं है, वहां पे प्राइवेट सेक्टर की ओनरशिप अलाउड नहीं होती। इस तरीके से आपको ध्यान से समझना है, डिफरेंस है दोनों चीजों में। एक है जहां पे प्राइवेट सेक्टर की ओनरशिप हो सकती है, एक है जहां पे प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व जरूर किया जाता है लेकिन उसकी ओनरशिप नहीं होती, ठीक है जी। तो रेलवेज में इन्वॉल्व किया जाता है, एडवर्टीजमेंट्स होती है वगैरह वगैरह, आप कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, लेकिन ओनरशिप रेलवेज की नहीं। ऐसा नहीं है कि नॉर्दर्न रेलवेज जो है दे दी मुकेश अंबानी, ऐसा नहीं होता। रिटेल ट्रेडिंग, अगर आप रिटेल की ट्रेडिंग कर रहे हैं उसमें भी, एक्सेप्ट सिंगल ब्रांड प्रोडक्ट की रिटेलिंग अगर आप कर रहे हैं, एक ही ब्रांड के प्रोडक्ट की रिटेल कर रहे हैं, तो उसमें एफडीआई अलाउड है। मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई नहीं अलाउड है। उसके बाद बिजनेस ऑफ चिट फंड का अगर बात करें, निधि कंपनी की बात करें, रियल एस्टेट बिजनेस की बात करें, या कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउसेस की बात करें, यहां पे भी एफडीआई जो है प्रोहिबिटेड है। ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स में भी आप जो है ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, वो सॉरी एफडीआई नहीं अलाउड है। फिर टोबैको का, सिगार का, चेरूट्स का, सिगरेलोज का, सिगरेट्स का एंड टोबैको के सब्स्टिट्यूट्स का, इन सब में भी आपकी एफडीआई अलाउड नहीं है। एंड लास्टली एग्रीकल्चर में भी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, एक और चीज, पीडीएफ में थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पीडीएफ में ये लिस्ट एग्जॉस्टिव दी गई है। यहाँ पे मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हैं, वहां पे वो लिस्ट एग्जॉस्टिव है, सारी डिटेल्स कवर की गई हैं। पीडीएफ को ध्यान से देखिएगा, जब ये लेक्चर अपलोड हो जाएगा हमारे पोर्टल के ऊपर जहां पे आप रजिस्टर करेंगे, वहां पे आपको लेक्चर के साथ ही आई एम अ यूजफुल डॉक्यूमेंट, उसी लेक्चर के ऊपर या उसी लेक्चर के नीचे वो पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ रेडी है, एज सून एज इट इज अपलोडेड ऑन द हमारा पोर्टल ऑफ अविपीडिया, आपको वो चीज मिल जाएगी। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बॉल ऑफ दिस ओवर, 15th बॉल ऑफ दिस मैच एंड थर्ड बॉल ऑफ दिस थर्ड ओवर। इम्पॉसिबल ट्रिनिटी, ये नाम बहुत बार पूछा गया है, इनफैक्ट यूपीएससी ने
करीब 2 साल पहले इसके ऊपर सवाल भी पूछा था, इम्पॉसिबल ट्रिनिटी क्या है। इम्पॉसिबल ट्रिनिटी से रिलेटेड उल्टा सीधा करके यूपीएससी फिर से सवाल पूछ सकती है, आप लोगों ने थोड़ा सा ख्याल बख्शना है इसके ऊपर। आपका समय जो है 30 सेकंड का है, 30 सेकंड का समय शुरू होता है अब। जो टाइम लिमिट मैं आपको दे रहा हूं वो समय सीमा बेसिकली क्वेश्चन के लेवल और क्वेश्चन की इंटेंसिटी के ऊपर बेस हो रही है, उसके डिफिकल्टी लेवल के ऊपर सोली नहीं बेस की जा रही। नाउ Impossible Trinity in international economics is concerned with managing which of the following objectives? Impossible Trinity क्या है? Flexible interest exchange rates होने चाहिए, current account convertibility होनी चाहिए, independent monetary policy होनी चाहिए। इनमें से क्या क्या options है? पहला option तो ये हो गया, फिर हो गया fixed exchange rate हो, full currency convertibility हो एंड इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी हो, या फिर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट हो। देखो फ्लेक्सिबल और फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, तो फ्लेक्सिबल और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में वो गेम खेल रहा है एक तो। फिर उसके बाद करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी की बात कर रहा है, फिर करेंसी की कन्वर्टेबिलिटी की बात कर रहा है, फिर कैपिटल अकाउंट की कन्वर्टेबिलिटी की बात कर रहा है, फिर उसके बाद करेंसी कन्वर्टेबिलिटी की बात कर रहा है, उसके बाद इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी, इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी, इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी और इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी। तो पहले दो चीजों को अगर आपने ध्यान से चूज कर लिया, उसके बाद ढूंढना चीजें हैंडल करना आसान हो जाएगा। सो तीसरा ऑप्शन तो, तीसरा पॉइंट तो सेम है ही, इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी तो सब में। चलिए देरी नहीं करेंगे, काफी लोगों के आंसर आ गए हैं कमेंट सेक्शन में। आई वुड हम्बली अपील एवरीवन ऑफ यू, ईच एंड एवरीवन शुड पार्टिसिपेट। सब लोग आंसर दीजिए एंड पार्टिसिपेट करने के साथ साथ डू मेक श्योर कि आप अपने मार्क्स भी कमेंट्स में, इस सेशन के एंड होने के बाद कमेंट्स में नीचे अपने मार्क्स लिखें एंड कितने में से हैं, कैसे हैं वो सब लिखिए, हम आपको कट ऑफ बताएंगे अगले सेशन की शुरुआत होने से पहले। चलिए इस सेशन की शुरुआत में भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो पिछले सेशन के कट ऑफ है वो मिल जाए। नाउ देरी नहीं करेंगे एंड लेट्स जस्ट सी कि आंसर क्या है। द आंसर इज बी, आंसर इज बी। मतलब पहली चीज तो ये कि फिक्स्ड होना चाहिए कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट इज अ मैनेजमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स एंड अ चैलेंज फॉर सेंट्रल बैंक। इट इज देयरफॉर इट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल ट्रिनिटी। इम्पॉसिबल ट्रिनिटी में क्या क्या चीजें आती हैं कि एक तो ये आती है कि एक्सचेंज रेट, फुल करेंसी कन्वर्टेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी। कि एक्सचेंज रेट फिक्स्ड हो, फुल करेंसी कन्वर्टेबिलिटी हो, मतलब ऐसा ना हो कि करेंसी जो है कन्वर्टेबल ना हो। अगर मान लीजिए आप रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करना चाहते हैं या किसी और इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, गोल्ड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, किसी तरीके भी की भी कन्वर्टेबिलिटी हो, तो आपके हाथ में पैसा है तो आप उसको एसेट में कन्वर्ट कर सके, दैट इज करेंसी कन्वर्टेबिलिटी। ऐसा ना हो कि आपके पास पैसे तो हो लेकिन आप सारे को कन्वर्ट ना कर सकें। और उसके बाद दूसरी तीसरी चीज इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी। इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी मतलब मॉनेटरी पॉलिसी इंडिपेंडेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी से अलग रहे मॉनेटरी पॉलिसी। ये मेजर चैलेंजेस हैं और यही चीज है जो आरबीआई जो है कवर करने की कोशिश करता है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बॉल ऑफ दिस ओवर, द सेकंड थर्ड लास्ट बॉल ऑफ दिस ओवर, द फोर्थ बॉल ऑफ दिस ओवर एंड 16th ऑफ दिस एंटायर मैच। आपका समय जो है 45 सेकंड का शुरू हो चुका है अब। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, पहले हमने ब्रॉड मनी पढ़ा था, नैरो मनी पढ़ा, उस सवाल को थोड़ा ध्यान से देखिएगा बिकॉज यूपीएससी ने ये सवाल बहुत टाइम से नहीं पूछा है। यूपीएससी की आदत होती है कि ऐसे छुपे हुए टॉपिक्स को उठा के आपके सामने सवाल पेश कर देती है, तो थोड़ा ध्यान से। नाउ हाई पावर्ड मनी इनमें से क्या होता है, इनमें से क्या क्या चीजें हाई पावर्ड मनी का हिस्सा होती हैं? पहली चीज तो नोट्स एंड कॉइन्स इन सर्कुलेशन विद द पब्लिक, लोगों के हाथों में जो पैसे हैं, नोट हैं, सिक्के हैं वो। फिर उसके बाद वॉल्ट कैश, जो कमर्शियल बैंक्स के जो स्ट्रॉन्ग रूम है उसके अंदर जो पैसा पड़ा है वो सारी चीजें। फिर उसके बाद डिपॉजिट्स हेल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जो पैसा डिपॉजिटेड है, या कमर्शियल बैंक्स का जो पैसा आरबीआई के साथ डिपॉजिटेड है। तो इनमें से क्या क्या चीजें हैं जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में आप आंसर कीजिए, कमेंट्स में आप आंसर दीजिए, मैं आप लोगों के साथ वहीं पे ही अवेलेबल हूं एंड मेरी कोशिश है कि मैं आप सबके डाउट्स वहीं पे ही क्लियर कर दूं। तो टेंशन मत लीजिए, मैं यहां बोल जरूर रहा हूं, आपके नाम नहीं ले पा रहा हूं, कारण क्या है कि मैं इस सेशन को प्रीमियर कर रहा हूं, आपके कमेंट सेक्शन में आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। आप डाउट्स पूछते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट,
कोशिश कीजिए कि अभी पीडिया के इस प्लेटफॉर्म को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर दिस प्लेटफॉर्म, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहुंचाइए। इसी तरीके से यूपीएससी सवाल डिजाइन करके देती है। हमारा जो अभी पीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस का ये T20 प्लेटफॉर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ लेके आ रहा है, आप लोगों के लिए लेके आ रहा है। हमारी इस मेहनत में आपका सपोर्ट, आपका प्यार चाहिए। डू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर दिस वीडियो, इनिशिएटिव को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। चलिए अब देखते हैं इसका आंसर। द आंसर अकॉर्डिंग टू मी इज डी। डी का मतलब ये है कि 1, 2 एंड 3, ये है आंसर। मतलब सारी की सारी चीजें हाई पावर मनी में इंक्लूडेड होती हैं। हाथ में जो पैसा है बैंक्स में, वॉल्ट जो कैश है, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जो भी डिपॉजिट्स हैं, और उसके बाद आरबीआई के पास जो भी डिपॉजिट्स हैं, ये सारी की सारी हाई पावर्ड मनी है। इस मनी के पास बहुत ज्यादा पावर है, इस तरीके से आपने समझ। ठीक है जी, चलिए मूविंग ऑन टू द सेकेंड लास्ट बॉल ऑफ दिस ओवर, 17th बॉल ऑफ दिस मैच। आरबीआई सुपरवाइजर्स, नाउ दिस क्वेश्चन इज अ बिट टेक्निकल। 45 सेकेंड का समय आपके पास, 45 सेकेंड का समय शुरू होता है अब। आरबीआई सुपरवाइजर्स द फंक्शनिंग ऑफ बैंक्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज। इनमें से क्या क्या चीजें यूज करके आरबीआई बैंक्स की फंक्शनिंग को सुपरवाइज करता है, ये आपने बताना। पहला, इट मॉनिटर्स द बैंक्स सो दैट दे कैन मेंटेन प्रिस्क्राइब्ड कैश बैलेंस, कि कैश बैलेंस कितना है बैंक्स के पास, वो प्रिस्क्राइब करता है। मैंडेट्स इट, आरबीआई बाय इट्स मैंडेट प्रोहिबिट्स द बैंक्स फ्रॉम अर्निंग एक्सेसिव प्रॉफिट्स। एक्सेसिव प्रॉफिट्स आप अर्न नहीं कर सकते, ये आरबीआई के मैंडेट में लिखा गया है कि आरबीआई को प्रोहिबिट करना है बैंक्स को, ये एक्सेसिव प्रॉफिट्स नहीं बना सकते। आरबीआई सुपरवाइजेस क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ लेंडर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर में लेंडर्स की जो एक्टिविटीज है उसको सुपरवाइज करता है। फिर उसके बाद इंश्योर्स दैट बैंक लोन्स आर डाइवर्टेड टुवर्ड्स प्रायोरिटी सेक्टर्स टू अचीव इंक्लूसिव ग्रोथ। इनमें से क्या क्या चीजें जो है आरबीआई के फंक्शन में इंक्लूडेड है। चलिए सारे के सारे लोग आंसर कीजिए, पार्टिसिपेशन इज अ मस्ट। पार्टिसिपेट करेंगे तो आपके आंसर अगर गलत होते हैं तो मेरी कोशिश होगी मैं आपको साथ के साथ क्लैरिफाई करूं, आपको एक्सप्लेन करूं, आपके डाउट्स क्लियर करूं। जो भी गलती है वो यहां हो जाए तो बहुत बढ़िया है, यूपीएससी में वो गलतियां नहीं होने चाहिए, एक्यूरेसी की तरफ हमने जाना है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर अकॉर्डिंग टू मी सी 1 एंड 4, सिर्फ यही दो ऑप्शन है जो कि फंक्शन है आरबीआई के, सेकेंड ऑप्शन नहीं है। कहीं पे भी आरबीआई एक्सेसिव प्रॉफिट बनाने से बैंक्स को मना नहीं कर सकता है, मैंडेट नहीं है। हाँ, मॉरल सुएजन हो सकती है कि भैया अपने प्रॉफिट कम करके आप कह लीजिए कि जो आपके आपके जो कस्टमर्स हैं उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा दे दो, उनका लोन का इंटरेस्ट रेट कम कर दो, ये मॉरल सुएजन, ये क्वालिटेटिव टूल है, लेकिन ये मैंडेट नहीं है, प्रोहिबिट नहीं कर सकता। दूसरी चीज, दूसरा ऑप्शन जो नहीं है वो समझ लेते हैं। It supervises the credit activities of the lenders in the informal sector. तो informal sector के ऊपर, credit lending activities के ऊपर ज़्यादा control नहीं है RBI का। RBI सिर्फ morally suade कर सकता है, सिर्फ ये सलाह दे सकता है कि financial inclusion हो जाए, उसके लिए वो fourth point। Basically जो आप आढ़त के पैसे, आढ़ती से पैसे अगर आप लेते हैं, तो ये आढ़त के जो पैसे हैं उससे अगर आपने लोन लिया, ब्याज पे पैसा उठाया, ये सारी चीजें इनफॉर्मल सेक्टर में आती हैं। जो कोई इंसान बैंक नहीं है या बैंकिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है या एनबीएफसी नहीं है, वो आपको लोन नहीं दे सकता है, वो इनफॉर्मल सेक्टर में आ जाता है। ठीक है जी, तो आरबीआई उसको रेगुलेट नहीं कर पाता है, आरबीआई का कंट्रोल उसके ऊपर नहीं है। चलिए इनफॉर्मल सेक्टर को ही फॉर्मलाइज करने के लिए, इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए पहली चीज तो पेमेंट बैंक्स बनाए थे, दूसरा फाइनेंशियल इंक्लूजन के एफर्ट्स किए गए थे। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है वो भी मैंने बहुत डिटेल में, बहुत डेप्थ में आप लोगों को दी है, जो पीडीएफ है उस पीडीएफ को आपने बहुत ध्यान से अच्छे से पढ़ लेना है, कवर कर लेना है वो एक क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, टॉपिक्स हैं, उसमें मैंने कवर किए हैं। अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव बाय अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। डू लाइक एंड शेयर दिस एंटायर इनिशिएटिव, आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की हमें बहुत जरूरत रहती। चलिए मूविंग ऑन टू द लास्ट बॉल ऑफ दिस करंट ओवर, तीसरे ओवर की आखिरी बॉल की तरफ चलते हैं। आपके पास है 45 सेकंड का समय, 45 सेकंड का समय शुरू होता है अब। विद रेफरेंस टू द पेमेंट बैंक्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही हैं, पहले तो इसको बार बार अंडरलाइन कर लेना इस तरीके के सवाल में। तो पेमेंट बैंक्स ये कीवर्ड है आपका,
तो कीवर्ड पेमेंट बैंक्स हैं और सही स्टेटमेंट पूछिए। देखिए आप जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, अगर इसी तरीके से आप यूपीएससी के एग्जाम में हाईलाइट करके अपने सवालों को सॉल्व करेंगे, सवाल बहुत इजी हो जाएंगे। पेमेंट्स बैंक इज नॉट अलाउड, सॉरी कई बार क्या होता है कि पॉइंटर गुम हो जाता है, मुझे ढूंढना पड़ता है। नाउ पेमेंट्स बैंक इज नॉट अलाउड, नॉट अलाउड को ऐसे हाईलाइट कर लो, टू गिव एनी फॉर्म ऑफ लोन और इशू क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड नहीं इशू कर सकता, लोन नहीं दे सकता, ये ऑप्शन अभी मैं आपको पढ़ रहा हूं। इट इज अ डिफरेंशिएटेड बैंक विद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ केटरिंग टू द अनबैंक्ड एंड अंडरबैंक्ड। एक ऐसा डिफरेंशिएटेड बैंक है, एक अलग टाइप का ऐसा बैंक है जो कि अनबैंक्ड और अंडरबैंक्ड, जहां पे बैंकिंग पहुंच नहीं पाई, यहां जहां या जहां पहुंची है पर कम पहुंची है, उन लोगों को इंक्लूजन करने के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन करने के लिए। ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन है फाइनेंशियल इंक्लूजन टर्म का। फाइनेंशियल इंक्लूजन टर्म को थोड़ा सा इंग्लिश लैंग्वेज में थोड़ा इलेबोरेट करके लिखा है और कुछ नहीं। तो एक ऐसा डिफरेंशिएटेड बैंक जो फाइनेंशियल इंक्लूजन करना चाहता है, या फिर तीसरा ऑप्शन है आपके पास, द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन टू बी ऑथराइज्ड एज पेमेंट बैंक इज आईपीपीबी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो ये तीन ऑप्शंस आपके पास हैं। आपका समय 45 सेकंड का शुरू हो चुका है थोड़ी देर पहले, उसमें से आई थिंक 25 सेकंड निकल चुके हैं, 10-20 सेकंड आपके पास बचे हैं। जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए, कमेंट्स में अपने आंसर कीजिए जल्दी से जल्दी। मैं अभी आपके साथ कमेंट्स में आपके आंसर पढ़ रहा हूं, जो भी डिस्क्रिपेंसीज हैं उन्हें क्लेरिफाई कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिए। मेरा नाम है सनत दत्त भारद्वाज, आपको वीडियो के टाइटल में, वीडियो के आपके डिस्क्रिप्शन में मुझे मेरा जो नाम है वो दिख रहा होगा, एंड कमेंट सेक्शन में भी बार बार ये जो तीन नाम वाला व्यक्ति है वो उसका नाम आपको दिख रहा होगा। मैं ही आपको ये सेशन करा रहा हूँ, तो कोई अगर आपको डाउट्स हो इसलिए मैं बता रहा हूँ। चलिए मूविंग ऑन टू द आंसर टू दिस क्वेश्चन, मैंने लिखा नहीं है जानबूझ के। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे आंसर नहीं लिखा है, आप चिंता मत कीजिए, जो पीडीएफ है उसमें आपको बहुत डिटेल्स मिलने वाली है, उसमें पेमेंट बैंक्स क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, सारी की सारी चीजें इंक्लूड होंगी। पहली चीज, लोन नहीं दे सकते, क्रेडिट कार्ड नहीं इशू कर सकते। दूसरी चीज, वो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बने हैं। तीसरी चीज, आरबीआई ने पहला लाइसेंस जो पेमेंट बैंक का दिया वो दिया इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, घर के बैंक को पहला लाइसेंस दिया। चलिए ये है हमारा आज के सेशन के पहले तीन ओवर्स। अब जो चौथा ओवर शुरू होने जा रहा है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, निहायत ही इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट डिफिकल्टी लेवल सबसे ज्यादा होने वाला है अब इसके सारे सवालों के अंदर। सो फोर्थ ओवर इज द मोस्ट ओवर इन T20 अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु IAS। डू लाइक आवर वीडियो, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे इस इनिशिएटिव को पहुंचाइए। मैं फिर बोल रहा हूं आपसे एक हम्बल अपील कि आप लोगों का प्यार, आप लोगों की सपोर्ट, हमें उस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम आप ही के प्यार और सपोर्ट की वजह से इतना मोटिवेशन हमें मिल पाती है कि इतना क्वालिटी कॉन्टेंट आप लोगों तक पहुंचा पाए। चलिए अब आखिरी ओवर की पहली गेंद, दिस इज अ सुपर ओवर, अ वेरी इंपॉर्टेंट ओवर। आप सवाल बहुत डिफिकल्ट है, 45 सेकेंड का ही आपके पास समय है, आपका समय शुरू होता है अब। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पिलर्स ऑफ बेसल थ्री नॉर्म्स जो थे, इन नॉर्म्स के बारे में अगेन मैं फिर बोल रहा हूँ, पीडीएफ में बहुत डिटेल में मैं जाऊंगा। हमारे सेशन को मुझे टाइमली खत्म करना है तो मेरी पूरी कोशिश होगी दैट विद इन टाइम वी कवर द एंटायर सेट ऑफ क्वेश्चंस। पिछली बार जो सेशन अधूरा रह गया था मुझे बहुत उस चीज का दुख भी है, खेद भी है। पहली चीज, एक तो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट इज वन ऑफ द पिलर्स, दूसरा सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस, तीसरा मार्केट डिसिप्लिन। तो इनमें से कौन कौन से पिलर्स ऑफ बेसल थ्री हैं? मार्केट कैपिटल, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस या मार्केट डिसिप्लिन? जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम बहुत बार बेसल थ्री नॉर्म्स का नाम लेते हैं, यूपीएससी को पता है कि सबको ये नाम रटा पड़ा है, लेकिन तीन पिलर्स ऑफ बेसल थ्री कौन कौन से हैं ये नहीं कोई बताता, तो इसे ही आपने ध्यान से कवर करना है। चलिए जल्दी से जल्दी आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज। काफी लोगों के आंसर्स आ चुके हैं अभी तक, बाकी लोग भी आंसर कीजिए, एवरीवन शुड पार्टिसिपेट, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे थोड़ा अच्छा लगता है, चैट बॉक्स चलता रहे, थोड़ा खेला रहे, सब लोग पार्टिसिपेट करें, थोड़ा इंटरक्टिव सेशन होना चाहिए, अच्छा लगता है। ठीक है जी, चलिए काफी लोगों के आंसर्स आ गए हैं एंड मैं समझ पा रहा हूँ कि काफी लोगों ने आंसर दिया है, काफी लोग छोड़ने की भी सोच रहे होंगे इस सवाल को,
छोड़ेंगे यहाँ पे, अगर छोड़ते भी हैं लेकिन वहां पे इस सवाल को छोड़ेंगे नहीं, कारण यह है कि अभी के अभी इस डाउट को क्लियर कर देंगे। चलिए, आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3 सारे के सारे जो हैं हमारे पिलर्स ऑफ बेसल 3 कन्वेंशन, बेसल 3 नॉर्म्स हैं। चलिए डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। पहली चीज तो ये, बेसल 3 गाइडलाइंस आर बेस्ड अपॉन 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स व्हिच आर कॉल्ड द 3 पिलर्स ऑफ बेसल 3, बेसल 3 यहां पे थोड़ा टाइपोग्राफिकल मिस्टेक हो गया। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस, रिव्यू होता रहे सुपरविजन के तहत, आरबीआई करता है ये चीज, आरबीआई ये करता है सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस। फिर उसके बाद मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, सीआरआर, एसएलआर वगैरह ये सारी चीजें। फिर मार्केट डिसिप्लिन, मार्केट डिसिप्लिन इज विद रिगार्ड टू एनपीएस, तो ये सारी की सारी चीजें, या फिर सीआरएआर, फॉर एग्जांपल सीआरएआर कैपिटल टू रिस्क वेटेड एवरेज रेशियोज, तो ये सारी चीजें जो है इंक्लूडेड है। आई एम स्टेटिंग अगेन, पीडीएफ में आपको इससे ज्यादा डिटेल मिलेगी। पीडीएफ में कोई भी आपको अगर डाउट्स हो तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप सवाल पूछ सकते हैं, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। तो आप एक बार पीडीएफ देख लीजिए, ये सारी वीडियो देख लीजिए, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा कोई भी इशू होगा तो मैं वहीं के वहीं रिजॉल्व कर दूं, ठीक है जी। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बॉल, द सेकेंड बॉल ऑफ द लास्ट ओवर, दैट इज द 20th बॉल ऑफ दिस मैच। आपका समय 45 सेकेंड का समय शुरू होता है अब। Which of the below statements is or are true? पहली चीज तो ये, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। With regard to non-scheduled banks, non-scheduled banks एक तो होते scheduled banks जो RBI के schedule, RBI Act के schedule में लिखे गए हैं। RBI Act of 1934 इसमें Act के तहत, इस Act के schedule में अगर banks की list अगर include की गई है तो वो scheduled bank है, अगर वहां नहीं इंक्लूड किए हैं तो वो नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स है। तो नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स के ऊपर ये स्टेटमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इनके ऊपर आपने सवाल जनरली नहीं देखा होगा, दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहली चीज तो ये, दे डू नॉट फॉलो द रूल्स मेड बाय आरबीआई, पहला ऑप्शन। दे आर नॉट एलिजिबल, दे आर नॉट एलिजिबल, पहले इसको अंडरलाइन कर लो फिर इसको। दे डू नॉट फॉलो द रूल्स मेड बाय आरबीआई, पहली चीज। दे आर नॉट एलिजिबल फॉर हैविंग लोन्स फ्रॉम आरबीआई, RBI से लोन नहीं ले सकते फॉर डे टू डे एक्टिविटीज। फिर उसके बाद CRR conditions do not apply to them, CRR की जो conditions है वो उनको apply नहीं होती। जल्दी से जल्दी कोशिश कीजिए आंसर करने की, this is a very technical question, ये थोड़ा सा technical सवाल है, लेकिन technical हो या ना हो UPSC के आगे सब चीजें छोटी पड़ जाती। कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को आंसर करने की, एंड साथ के साथ मैं भी आपको जो भी डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में आप पूछते रहिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है जी। चलिए जल्दी से जल्दी आंसर कीजिए, बाकी लोग भी आंसर कीजिए, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। मैं आपको अब एक्सप्लेन करता हूं मेरी तरफ से क्या आंसर रहेगा इसका। मैं अभी 5 सेकंड तक गिन रहा हूं, 5 सेकंड्स, बिकॉज 40 सेकंड हो चुके हैं। 1, 2, 3, 4 एंड 5 मिसिसिपीज वाला, 1 मिसिसिपी 1 मिसिसिपी 2 ऐसा नहीं करूं, ठीक है जी। चलिए तो आंसर अकॉर्डिंग टू मी इज सी, 1 एंड 2 ऐसा है कि कैश रिजर्व रेशियो की conditions अप्लाई करती हैं on non-scheduled banks as well। बैंक तो है चाहे scheduled है या नहीं है, तो इसलिए CRR की condition apply होती है। उनको RBI के द्वारा बनाए गए rules follow करने की जरूरत नहीं है, पहली चीज। They are not eligible for having loans from RBI for day-to-day activities, दूसरी चीज। तो answer is in fact true, statements जो पूछी थी that is 1 and 2 are true, third is not true। तो basically CRR fund with themselves as no compulsion has been made by RBI to deposit it in the RBI, लेकिन CRR जो conditions हैं वो NSBs को follow करनी पड़ती हैं। लेकिन एक चीज का फर्क है, CRR generally जो scheduled banks हैं वो RBI के पास रखते हैं, जो non-scheduled banks हैं वो CRR को अपने ही पास रख सकते हैं, RBI के पास रखने की जरूरत नहीं है, बाकी सारी चीजें सेम। चलिए मूविंग ऑन टू द थर्ड बॉल ऑफ दिस लास्ट ओवर, 45 सेकंड्स का समय है आपके पास। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन, फाइनेंशियल सुपरविजन बोर्ड से रिलेटेड ये सवाल पूछा गया है। इट इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी, इंडिपेंडेंट एजेंसी है दैट मैनेजेस द इंटरनल एंड एक्सटर्नल liabilities of the central government in a holistic manner
एंड एडवाइजर्स ऑन सच मैटर्स इन रिटर्न फॉर अ फी। पैसे के बदले में वो सरकार को सलाह देती है और मैनेज करती है क्या इंटरनल और एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एक स्पेशलाइज्ड इंडिपेंडेंट एजेंसी है बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन। पहला ऑप्शन तो ये, पहली स्टेटमेंट तो ये कह रही है। दूसरी स्टेटमेंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट बैंकर और मर्चेंट बैंकर टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट्स बैंक किसको कहा जाता है, कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी से जल्दी। गवर्नमेंट्स बैंक कहा जाता है आरबीआई को। गवर्नमेंट्स बैंक भी कहा जाता है, बैंकर्स बैंक भी कहा जाता है आरबीआई को। इनफैक्ट इसके ऊपर कुछ समय पहले एक स्टेट सर्विसेज में ऐसे भी पूछा गया था, 250 नंबर का ऐसे पूछा गया था, आरबीआई बैंकर्स बैंक और गवर्नमेंट्स बैंक, ये सवाल भी पूछा था। तो जो बीएफसी है, बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन, क्या वो एक स्पेशलाइज्ड इंडिपेंडेंट एजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटरनल एक्सटर्नल लायबिलिटीज को मैनेज करती है जो। दूसरा, क्या वो इन्वेस्टमेंट बैंकर कहा जाता है उसे या मर्चेंट बैंकर कहा जाता है क्या सरकार का। तो ये दो स्टेटमेंट्स हैं, जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। काफी लोगों ने जल्दी से जल्दी आंसर कर दिया है, जिन्होंने नहीं किया है वो भी फटाफट से कीजिए। आपके पास 5 सेकंड का समय रह गया है, 5 सेकंड शुरू हो चुके हैं अब। देखिए, आई एम ट्राइंग टू बी फेयर एंड आई एम ट्राइंग के आप सब लोगों को सही समय मिले वहां पे। देखो ऐसा है कि यूपीएससी आपको शायद समय इससे थोड़ा सा ज्यादा दे दे, 1 मिनट के आसपास का समय दे दे, लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपनी इस पूरी मुहिम के जरिए अपनी स्पीड बढ़ाएं, अपनी एक्यूरेसी बढ़ाएं। हमें ये आदत होनी चाहिए कि जब हम स्पीड में पढ़ रहे हैं तो हमारे सवाल गलत नहीं पढ़े जाने चाहिए। तो यही सारी चीजों का मैं ख्याल रखने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, देरी नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। द आंसर अकॉर्डिंग टू मी इज नीदर वन नॉर टू, ना वन ना टू। ठीक है जी, तो पहला भी स्टेटमेंट गलत है, दूसरी भी स्टेटमेंट गलत है। तो बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन है क्या, पहली चीज तो ये 1994 नवंबर में बनी थी, ऑटोनोमस बॉडी है अंडर आरबीआई, गवर्नमेंट के अंदर नहीं बनी है, आरबीआई के अंदर बनी है। पहली चीज, आरबीआई परफॉर्म्स द सुपरवाइजरी फंक्शन अंडर द गाइडेंस ऑफ बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन। ठीक है जी, दूसरी चीज, पब्लिक डेट मैनेजमेंट एजेंसी कहा जाता है एक प्रपोज्ड, द प्रपोज्ड पब्लिक डेट मैनेजमेंट एजेंसी इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी दैट मैनेजेस इंटरनल एक्सटर्नल लायबिलिटीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ना कि बीएफसी। बीएफसी नहीं करती है, बीएफएस नहीं करती है, करता कौन है, पीडीएमए पब्लिक डेट मैनेजमेंट एजेंसी करती है। पब्लिक डेट मैनेजमेंट एजेंसी इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको कहा जाता है। दोनों स्टेटमेंट जो है वो गलत इसलिए है क्योंकि बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन आरबीआई के अंडर आता है, वो एक अलग एंटिटी है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है ऑफ बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन, इट इज टू अंडरटेक कंसोलिडेटेड सुपरविजन ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर कंप्राइजिंग शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोकल एरिया के बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, पेमेंट बैंक्स, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, एनबीएफसी और प्राइमरी डीलर्स। इन सब लोगों को रेगुलेट करना, इनको सुपरवाइज करना, ये काम है बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन और ये आरबीआई के तहत। तो ये दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट्स दी गई थी, ये पीडीएमए प्रपोज्ड एक एजेंसी है, पब्लिक डेट मैनेजमेंट एजेंसी, उसके तहत आती है। चलिए, मूविंग ऑन टू द फोर्थ बॉल ऑफ दिस ओवर, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 45 सेकेंड का समय है आपके पास, 45 सेकेंड का समय जो है शुरू होता है अब। I'm explaining this question right now to you. Consider the following statements with regard to differential rate of interest scheme, DRI. Differential rate of interest scheme क्या है और क्या चीज है, इस statements इनमें से सही है, correct पूछी गई, तो इसको भी आपने underline ऐसे कर लेना है। Scheme was recently announced by RBI. क्या वो scheme अभी RBI ने अभी announce की है, पहली चीज तो ये रिसेंटली इंपॉर्टेंट है, दूसरा आरबीआई इंपॉर्टेंट है इस स्टेटमेंट में, तो ये यहां दो जगह पे गलत हो सकता है, इसमें हमने ये ध्यान रखना है। इट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड थ्रू आउट द कंट्री, क्या सिर्फ रूरल एरियाज या सिर्फ अर्बन एरियाज में या फिर टोटल सारी के सारे देश में ये इंप्लीमेंट हो रहा है, ये भी ऑप्शन, इसमें भी यहां पे गलती हो सकती है। इस तरीके से आपने सवाल को ब्रेक डाउन करना है। एम्स टू प्रोवाइड, ये जो डीआरआई स्कीम है, इट एम्स, यहां पे इट आना चाहिए था, मैं खा गया। It aims to provide bank, finance at a concessional rate. सस्ते रेट पे banks को finance provide करने की बात की जाती है 4% के ऊपर to the weaker section of the community.
वीकर सेक्शंस ऑफ द कम्युनिटी को सस्ते ब्याज दरों के ऊपर बैंक फाइनेंस प्रोवाइड करने की बात करती है ये स्कीम, रेट ऑफ डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट. जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए. एवरीबडी शुड पार्टिसिपेट. डू मेक श्योर कि आप अभिपीडिया के इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं. अभिपीडिया के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक दिस वीडियो, लाइक जरूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि कभी भी एक नई वीडियो अगर आपके हम चढ़ाते हैं या अपलोड करते हैं तो न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलती रहे. एंड सेकेंडली रजिस्टर कीजिएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अभी दिया हुआ है, उस लिंक के ऊपर अगर आप जाते हैं तो लिंक आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोलेगा. अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा. आपको मैसेजेस हमारी पूरी कोशिश होती है कि रेगुलरली मिलते रहें किसी भी नए वीडियो से रिलेटेड. चलिए अब 22वीं इस बॉल का, इस मैच की 22वीं बॉल, द थर्ड लास्ट बॉल ऑफ दिस ओवर एंड दिस मैच, उसका जवाब देखते हैं. द आंसर इज सी, 2 एंड 3. मतलब पहली स्टेटमेंट जो है गलत हो गई, जैसा कि मैंने बोला था कि कहीं कहीं जगहों पे गलत हो सकती है, आपने ख्याल रखना. तो दोनों स्टेटमेंट्स नीचे की सही है. एक चीज तो पूरे देश में लागू होगी, दूसरी डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट्स पे, अलग अलग कंसेशनल रेट्स पे वीकर सेक्शंस ऑफ द कम्युनिटी को बैंक फाइनेंस प्रोवाइड करने की बात करी गई. पहली स्टेटमेंट गलत क्यों है? पहली स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि ये 1972 में लॉन्च हुई थी, रिसेंटली लॉन्च नहीं हुई थी. इसीलिए मैंने आपको बोला था ये वर्ड रिसेंटली का भी आपने ख्याल रखना है. एंड वॉज इंप्लीमेंटेड बाय ऑल इंडियन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक. सारे के सारे इंडिया के शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक ने इसे लागू किया था. ये स्कीम फॉर्मुलेट की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिसमें कंसेशनल ब्याज रेट पे आप 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वीकर सेक्शन को बैंक फाइनेंस प्रोवाइड करा पाए. चलिए इस चीज की भी मैं आपको साफ तौर पर बता दूं, PDF में ज्यादा डिटेल मिल जाएगी. डू मेक श्योर कि आप रजिस्टर करते हैं. रजिस्टर करने के बाद जो हमारा पोर्टल है वहां पे जाके अगर आप इस वीडियो को खोलते हैं, उस वीडियो के ऊपर या नीचे, बिल्कुल जैसे ये वीडियो चल रही है तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे आपको वो लिंक मिल जाएगा, यहां जहां से आप PDF डाउनलोड कर सकेंगे, PDF डाउनलोड कर सकेंगे. चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टूडेज सेशन ऑफ अभिपीडिया T20 इकोनॉमिक्स लेक्चर 2, हमारे इकोनॉमिक्स की लेक्चर सीरीज में सेकेंड लेक्चर का सेकेंड लास्ट सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट. 45 seconds का समय है आप लोगों के पास. 45 seconds का समय शुरू होता है अब. विद रेफरेंस टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. पहली चीज, क्या ये RBI ने कॉन्स्टिट्यूट किया, और इज इट हेडेड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, और इज इट अ स्टैट्यूटरी बॉडी. ये तीन स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट क्या है करेक्ट पूछी गई है. इसको भी ऐसे ही आपने हाईलाइट कर देना है वहां एग्जाम में भी, जैसे मैं यहाँ पे मार्कर चला रहा हूँ, पेन चला रहा हूँ, वैसे ही आपने वहां पे भी पेन चलाना है, थोड़ा इजी हो जाता. तो 1 एंड 2 है ऑप्शन, 2 ओनली है, 2 एंड 3 है, एंड 1, 2 एंड 3. तो इसी तरीके से चलिए जल्दी से जल्दी आप कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए. फिर उसके बाद एक सवाल रह जाता है, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच हैज बीन लेफ्ट, अभी करना है हमने कवर. कॉमेंट्स में जल्दी से जल्दी अपने आंसर दीजिए, काफी लोगों के आंसर आ रहे हैं, काफी लोग बता रहे हैं, कुछ लोग एक से ज्यादा बार सवाल का जवाब भी देते हैं. तो ऐसा है कि भैया मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपके ऑप्शंस के आंसर्स देख लूं, बट कई बार क्या है कि आपकी टाइपिंग स्पीड से मेरी टाइपिंग स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, तो आपको अप्रिशिएट करने में थोड़ी सी देरी हो जाती, बट दैट डजंट मीन दैट आई डू नॉट अप्रिशिएट योर आंसर. आपके आंसर्स को मैं देख रहा हूं एंड एक्नॉलेज भी कर रहा हूं. चलिए देरी नहीं करेंगे, इस सवाल के जवाब को अगले 5 सेकेंड्स में मैं दे रहा हूं. 1, 2, 3, 4, 5. फटाफट से अपने आंसर्स दीजिए. मैं अपना आंसर बता रहा हूं, द आंसर अकॉर्डिंग टू मी इज 2 ओनली. मतलब सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सही है, बाकी सारी स्टेटमेंट्स गलत हैं. पहली चीज तो ये कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, दूसरी चीज ये कि इट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड बाय RBI. तो चलिए आंसर देख लेते हैं, समझ लेते हैं. An apex level FSDC is not a statutory body, पहली चीज. दूसरी चीज, इसका आइडिया जो दिया था रघुराम राजन कमिटी 2008 की, उसने दिया था. फिर 2010 में इसको सेटअप किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो यहां पे वो दोनों, पहली स्टेटमेंट और तीसरी स्टेटमेंट गलत हो जाती. ठीक है जी. चलिए अब इस पूरे मैच की और इस ओवर की आखिरी गेंद, आखिरी इंपॉर्टेंट बॉल, स्लोअर वन लग सकती है, थोड़ी सी स्लोअर वन बॉल है, सो ध्यान से खेलिएगा.
बिल्कुल इंपॉर्टेंट, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को होना बहुत जरूरी है। आपके पास है 45 सेकंड का समय और आपका समय शुरू होता है अब। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज कैन बी अडॉप्टेड टू प्रमोट फिस्कल कंसोलिडेशन। तो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल है, अगर यूपीएससी पूछती है तो इस तरीके के सवाल बहुत ज्यादा पूछने की आदि रहती है, यूपीएससी ऐसा सवाल पूछती रहती है, तो थोड़ा सा आप ख्याल रखिएगा। फिस्कल कंसोलिडेशन का जो प्रोसेस है उसमें इन सारी चीजों में से क्या क्या चीजें की जा सकती हैं टू प्रमोट फिस्कल कंसोलिडेशन। चलिए, इंक्रीजिंग एफडीआई इन इंश्योरेंस सेक्टर, क्या इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई इंक्रीज करने से फिस्कल कंसोलिडेशन होगा? दूसरा, एनैक्टमेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी लॉज, क्या फूड सिक्योरिटी लॉज अगर आप एनैक्ट करते हैं तो क्या फिस्कल कंसोलिडेशन होगा? कमेंट सेक्शन में मुझे साथ के साथ ये भी बताइएगा आंसर करने के बाद कि फिस्कल कंसोलिडेशन होता है तो क्या होता है। आप अगर सही बता रहे होंगे तो मैं अप्रिशिएट करूंगा, गलत बता रहे होंगे तो मैं वहां पे करेक्ट करूंगा, तो ये पता होना बहुत जरूरी है। और लास्टली, अगर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होते हैं तो क्या प्रमोशन ऑफ फिस्कल कंसोलिडेशन होता है या नहीं होता है? तो पहला ऑप्शन है आपके पास 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, 2 ओनली एंड 1, 2 and 3। देखिए 1, 2 and 3 तो साफ तौर पे पता है, बिकॉज ये तीनों ऑप्शंस अपने आप में इतने ज्यादा अलग हैं, यूनिक हैं कि ये डी ऑप्शन तो नहीं होगा, तो मैं डी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकता हूं। यहां पे एलिमिनेशन टेक्निक, एलिमिनेशन मेथड लगाने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो दैट मीन्स डी ऑप्शन तो नहीं होगा। तो क्या अगर मैं एफडीआई इंश्योरेंस सेक्टर में इंक्रीज करता हूं तो इसका मतलब ये है कि इंश्योरेंस सेक्टर में अगर एफडीआई इंक्रीज होता है तो और बाहर की कंपनीज आके भारत के अंदर जॉब्स क्रिएट करेंगी, एंड जो सरकार को रेवेन्यू खर्च करना पड़ता था, फिस्कल कंसोलिडेशन का क्या है, जहां पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है सरकार का वो कम होना शुरू हो एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर बेहतर हो, जहां से रिटर्न्स आने शुरू हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर बेहतर हो। तो ये बेसिकली अगर आप एफडीआई इंक्रीज करते हैं तो यहां से कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ सकता है, इनफैक्ट रेवेन्यू जनरेशन हो सकती है, लोगों को सैलरीज मिलेंगी तो वो टैक्स पे करेंगे, रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, तो फिस्कल कंसोलिडेशन हो सकती है। अदरवाइज जो आम सरकार लोगों के सैलरीज के लिए कह लीजिए या उसके प्रति जो ज्यादा सब्सिडीज का खर्चा करती थी वो अब कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लोग अपनी आमदनी बनाना शुरू कर देंगे। तो एक ऑप्शन तो वन हो गया। दूसरा क्या कहता है, एनैक्टमेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी लॉज। अब फूड सिक्योरिटी लॉज और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि वहां से कोई रिटर्न, कोई भी सब्सटैंटिव क्वांटिटेटिव रिटर्न नहीं आएगा, क्वालिटेटिव या प्रोलॉन्ग्ड क्वांटिटेटिव रिटर्न आएगा, कि जब आप लोगों को पेट भरते हैं, लोगों को खाना भर पेट देते हैं तो उसके बाद वो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो ये सारी की सारी चीजें प्रोलॉन्ग्ड हैं, इमीडिएट इंपैक्ट जो है इकोनॉमी के ऊपर ऐसे पड़ेगा कि हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ना मतलब फिस्कल कंसोलिडेशन के पास से आप अलग दूर हटके जा रहे हैं। तो सेकेंड ऑप्शन जहां जहां पे है वो आप हटा सकते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन यहां पे है, सेकेंड ऑप्शन यहां पे तो है ही सेकेंड ऑप्शन, और यहां तो है, ये मैंने डिलीट कर दिया था। तो तीसरा ऑप्शन पढ़े बिना ही आप लोगों के पास ये आंसर आ गया, आंसर इज बी। देरी नहीं करते, चलिए देख भी लेते हैं। हाँ, आंसर बी है, बिल्कुल सही, आप भी सही हैं, मैं भी सही हूं। जिन लोगों ने गलत किया वो प्लीज समझ लीजिएगा कि कैसे गलती दूर की जा सकती है। आंसर इज इनफैक्ट बी। आज के इस फोर्थ ओवर की आखिरी बॉल, इस मैच की आखिरी बॉल का आंसर बी है। कोई भी डाउट्स हैं तो मैं इस वीडियो के एंड होने के कुछ मिनट बाद तक भी आप लोगों के साथ हूं। डू लाइक दिस वीडियो, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ। अभिपीडिया के इस प्लेटफॉर्म पे आप रजिस्टर जरूर कीजिएगा, हम और बेहतरीन कंटेंट डेली बेसिस पे, हमारा जो T20 सीरीज है, और T20 सीरीज 60 दिनों तक आप लोगों के साथ डेली रहेगी। अपने कमेंट्स में अपने मार्क्स को ऑनेस्टली शेयर कीजिएगा, ऑनेस्टी के साथ शेयर कीजिएगा, बिल्कुल सही तरीके से शेयर कीजिएगा, हम आप लोगों को आपकी कट ऑफ बताएंगे अगले दिन। चलिए, आज इस सेशन को यहीं पे विराम देते हैं, हम फिर मिलेंगे कल फिर इसी समय इसी जगह। हमारे इस प्लेटफॉर्म को शेयर कीजिए, अभिपीडिया को जन जन तक पहुंचाने के लिए आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट हमें चाहिए। डू मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, अभिपीडिया के T20 प्लेटफॉर्म के लिए रजिस्टर करते हैं, रजिस्ट्रेशन इज फॉर फ्री,
एंड पीडीएफ जो है वही उसी पोर्टल पे आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाएगी। पीडीएफ आज के सेशन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले आप लोग बोलते थे, आज मैं खुद से बोल रहा हूं बिकॉज आज मैंने उस पीडीएफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों को इंक्लूड करके रखा है। चलिए वाणी को अपनी यहीं पे विराम देता हूं। कमेंट सेक्शन में आप लोगों के साथ हूं, कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी इस वीडियो में इतना ही। मुझे देखने के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। T20 के अभिपीडिया के T20 इस प्लेटफॉर्म को सुनने के लिए, हमें फॉलो करने के लिए थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीबॉडी, टेक केयर, स्टे एट होम, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, कीप वर्किंग हार्ड एंड स्मार्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।